दोस्तों नमस्कार। आप सबको नए साल का बहुत बहुत मुबारकबाद। सन 2021 आ चुका है। 2014 में हमने सफर शुरू किया था और 2021 में आज हम लोग आ चुके हैं। 6 साल बेमिसाल थे। 2021 में धमाल पे धमाल होगा। बहुत दिनों बाद मौका मिला आप सब लोगों से रूबरू होने का, पूरे हिंदुस्तान से एक साथ बात करने का। 2021 के जनवरी महीने की 5 तारीख को आज मैं आपके सामने हूं और एसलीपीएस परिवार को मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयां देता हूं 2020 की उनकी अचीवमेंट्स की और 2021 की आने वाली अचीवमेंट्स की। दोस्तों पिछले साल मार्च महीने में ही एक ऐसी भयंकर सिचुएशन आ गई कोविड, जिसके बाद ये समझ नहीं आ रहा था इंडस्ट्री को, लोगों को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को या दूसरे भी किसी इंडस्ट्री को आगे क्या होगा। लेकिन उन सब में सबसे पहले जिस इंडस्ट्री ने फिर दोबारा अपने आप को प्रूफ किया, साबित किया और जहां पर बिजनेस कम होना चाहिए था बिजनेस को डबल ट्रिपल किया, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसमें भी जो सबसे बेहतर ग्रोथ की उस कंपनी का नाम है एसलीपीएस वेलनेस, और कि लोगों ने की उनका नाम है एसलीपीएस के सभी फाइटर्स। आप लोगों को नतमस्तक हूं मैं, आप लोगों से बहुत प्रभावित हूं मैं कि आप लोगों ने रियली कमाल कर दिया। तो दोस्तों दिसंबर महीने में एसलीपीएस वेलनेस ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, बहुत बड़े बड़े अचीवर हमारे बीच में आए और कुछ तो ऐसी अचीवमेंट्स आई कि 25 साल से इस इंडस्ट्री में जो अचीवमेंट्स किसी के पास नहीं आई वो हमारे फाइटर्स, हमारी लीडरशिप वो अचीवमेंट्स लेके एसलीपीएस में आए। आपको मालूम ही होगा पिछले महीने हमारे बहुत 7 लग्जरी कार हमारी कंपनी में आई, 2 हमारे एम्बेसडर बने, 2 ब्लू डायमंड बने, 2 डायमंड बने। तो उन सभी अचीवर्स को मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। एक बार से स्क्रीन तो हमारे दिसंबर के जो ऑल अचीवर्स हैं 2020, आखिरी महीना 2020 का, विपरीत परिस्थितियों में एक भयंकर रिकॉर्ड, महा रिकॉर्ड मैं बोलूंगा, डायमंड अचीवर मिस्टर जगदीश कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्रदीप रघुवंशी जी फ्रॉम इटारसी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। ब्लू डायमंड अचीवर मिस्टर महेश पंत हल्द्वानी से आपको बहुत बहुत बधाई हो। मिस्टर जैसाराम जी नागौर राजस्थान से आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और कंपनी का 15वां रैंक, बहुत बड़ा रैंक और बहुत बड़ी अचीवमेंट, एम्बेसडर अचीवर मिस्टर रामवीर सिंह जी फ्रॉम जयपुर आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मिस्टर शिव कुमार जी दिल्ली से आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी अचीवमेंट्स की जिन्हें अचीवर्स को मुझे खुद लाइव आके मुबारकबाद देनी पड़ी, जिनकी वजह से मैं आज लाइव आया हूं, जिन्होंने रियली में धमाल कर दिया इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। मिस्टर अनुज शर्मा यंगस्टर पोर्सी अचीवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में मैं कह सकता हूं कि अनुज शर्मा जी की एज में अगर कोई पोर्से गाड़ी मेंटेन कर रहा है तो हमारे अनुज शर्मा जी हैं। शिव कुमार जी नेक्स्ट पहली पोर्से लेके आए और आपने पोर्से की शुरुआत की, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रणब पांडे ब्लू डायमंड बीएमडब्ल्यू 14 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे लेकिन सपने इनके एसलीपीएस में मात्र 3 साढ़े 3 साल में पूरे हुए। बीएमडब्ल्यू की 5 सीरीज गाड़ी लेके प्रणब पांडे जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। विनय सिंह जी काशीपुर से, ये वो व्यक्ति हैं जो कभी मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा सर मैं बहुत कर्जे में हूँ, मेरा मन आत्महत्या करने का करता है। तो मैंने इनको बोला सर आत्महत्या मत करो, अब एसलीपीएस आ चुकी है, आपको भगवान ने चाहा तो आपका कर्ज भी उतर जाएगा और आपका अचीवमेंट भी आई। तो आज विनय जी काशीपुर से आपने ODC 6 ली है सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मिस्टर किशन केवल जी जो बहुत ही देसी स्टाइल में बिजनेस करते हैं, मात्र 8वीं पास है, आर्मी से रिटायर्ड है, उन्होंने बीएमडब्ल्यू की लग्जरी कार ली इस महीने दिसंबर में। मोहम्मद नाजिक जी आपको तो रियली सर सल्यूट है, आपने कश्मीर
के अंदर रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में जहां नेट भी नहीं चलता वहां से बिजनेस करके आज जैगुआर जैसी गाड़ी अचीव की मिस्टर नाजिक जी डायमंड एडो लोपेल आपको बहुत बहुत बधाई। और मिस्टर जैसाराम जी जो कि ये भी आर्मी से रिटायर्ड है नागौर राजस्थान से, आपने भी जैगुआर अचीव करी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। रियली आप सब लोगों ने कमाल किया। और दोस्तों ये वो कमाल है, ये वो शुरुआत है जो लोगों को अब समझ में आ रहा है कि ऐसी कौन सी कंपनी आज तक थी हिंदुस्तान में या है या होगी जहां सात सात लग्जरी कार विद इन अ मंथ, वो भी लग्जरी कार, लग्जरी सेगमेंट, वो सेगमेंट जो लोगों की ड्रीम कार्स होती है। इसका मतलब ये अचीवमेंट इनके पास ऐसे तो नहीं आई होगी, इस अचीवमेंट के लिए इनके पास ये तो नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे तो अचीवमेंट आई होगी। 100% इन्होंने पैसे कमाए होंगे, 100% इनकी ग्रोथ हुई होगी, 100% के प्रोडक्ट बिके होंगे, 100% लोगों ने इनके प्रोडक्ट को, इनकी क्वालिटी को, इनके प्लान को, इनकी कंपनी को, इनके मैनेजमेंट को अप्रिशिएट किया होगा, तभी तो इतने सारे लोग इनके साथ आए और ये अचीवमेंट इन्होंने पाई। तो दोस्तों आज सफलता के पर बैठ जाओ राम सर, आज जो सफलता की बात हम करेंगे आपके साथ वो जो विजन है कि एक व्यक्ति कैसे पोर्शे ले गया, शिव कुमार जी कैसे एम्बेसडर बन गए, अनुज शर्मा 25 साल की उम्र में पोर्शे ले गया, वरना पांडे 14 साल से कुछ नहीं कर पाया, पिछले 3 साल में ब्लू डायमंड बन गए और बीएमडब्ल्यू ले ली, तो इन लोगों ने अचीवमेंट क्या से प्राप्त की, वो कौन से प्रिंसिपल है तो ये सब लोग अपनाते हैं, वो कौन से तौर तरीके हैं जिनके साथ ये सब लोग काम करते हैं। और इसी कंपनी में या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें कुछ लोग अचीवर बनते हैं और कुछ लोग अचीवर बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के कोसते हैं, लीडरशिप को कोसते हैं, खुद को कभी नहीं कहते, उन प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं करते कि जिन प्रिंसिपल को फॉलो करके एक व्यक्ति सक्सेस होता है, जिन प्रिंसिपल को फॉलो करके एक आदमी कामयाब होता है। दोस्तों आज हमारी कंपनी में आपको मालूम होगा कि 100 के आसपास करोड़पति बन चुके हैं, 100 से ज्यादा लग्जरी कार आ चुकी है। आखिर ये कैसे करते हैं ये लोग, ये जो 100 करोड़पति कैसे बने, ये जो 100 कार लग्जरी कार अचीवर है इन्होंने इसी कंपनी में कैसे सक्सेस प्राप्त की, आज उसकी बात होगी, आज सफलता की बात होगी, सफल लोगों की बात होगी, इन लोगों ने सफलता कैसे प्राप्त की। तो दोस्तों हर व्यक्ति इस दुनिया में अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करके अचीवमेंट प्राप्त कर रहा है और एक दूसरा व्यक्ति अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर रहा, इसका मतलब जो दूसरा व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ मिस कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं गैप कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ भूल कर रहा है, कुछ समझने की भूल कर रहा है। अगर वो दूसरा व्यक्ति भी अचीवर्स की तरह ही सोचने लगे, समझने लगे, वो भूल ना करे, तो वो दूसरा व्यक्ति भी उन अचीवर्स की तरह सक्सेस हो सकता है। तो दोस्तों आज की सबसे पहली बात होगी सफलता की बात, मीनिंगफुल लाइफ। और एक होती है दोस्तों मीनिंगलेस लाइफ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन को जीने के कुछ मकसद होते हैं, लाइफ में कुछ डिसिप्लिन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं। ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो इस जिंदगी में आए, बड़े हुए, जवान हुए, मान लो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करी या नहीं करी या पढ़ाई लिखाई करी या कुछ भी करा, लेकिन वो अपनी जिंदगी को जीने का कारण समझते हैं, उनका कोई पर्पस होता है कि इस पर्पस के लिए मुझे जिंदगी जीनी है, उनका कोई फोकस होता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है। वो लोग एक पर्पस डिफाइन करते हैं, उस पर्पस पे फोकस करते हैं, वो कैसे बनना है, उसके लिए उनको अपने आप में क्या सुधार करने हैं, वो सारे सुधार करते हैं। अगर उनको क्रिकेट खेलने के लिए अकेडमी ज्वाइन करनी है तो करते हैं, IAS बनने के लिए पढ़ना है तो पढ़ते हैं, अगर उन्हें बॉडी बिल्डर बनने के लिए हेल्थ बनानी है तो हेल्थ बनाते हैं। कहने का मतलब ये वो लोग होते हैं दोस्तों जिनके जीवन के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, जिनके जीवन के कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले एक इंसान को अपने जिंदगी के रूल्स बनाने चाहिए, सेट द रूल्स फॉर योरसेल्फ कि मेरी सुबह क्या होगी, मैं सुबह किस टाइम उठूंगा, मैं दोपहर किस टाइम खाना खाऊंगा, मैं शाम को कब तक काम करूंगा, मैं डेली एक किताब पढ़ूंगा, एक मोटिवेशन स्पीच सुनूंगा। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो एक डायरेक्ट सेलर अगर 60 साल का पैसा उसको 6 साल में कमाना है तो उसको अपनी जिंदगी के कुछ असूल सेट करने पड़ेंगे, उसको अपने रूल बनाने पड़ेंगे। दोस्तों हर इंसान जो दुनिया में मीनिंगफुल लाइफ जीता है वही जिंदगी का मीनिंग निकाल पाता है, और जो मीनिंगलेस लाइफ जीता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ सोचता रहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। मीनिंगफुल लाइफ से जैसे अगर हम समझना चाहें तो जैसे एक डायरेक्ट सेलर है, उसके जीवन का एक मकसद है, एक पर्पस है, एक फोकस है कि मुझे अभी एमराल्ड बनना है, मुझे सिल्वर बनना है, मुझे गोल्ड बनना है, मुझे प्लेटिनम बनना है, मुझे एम्बेसडर बनना है,
मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है, वो उस तक पहुंचने के लिए उसको अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे, कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उसे हेल्दी रहना पड़ेगा, उसे कमिटमेंट कमिटमेंट के अनुसार चलना पड़ेगा, वो मिस कमिटमेंट कभी नहीं करेगा, वो टाइम पंक्चुअल होगा, उसका ड्रेस कोड हमेशा बेहतर होगा, वो हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा, वो हमेशा लेट सोएगा, वो डेली फाइन ट्यूनिंग करेगा, डेली रिपोर्टिंग करेगा, डेली बुक्स पढ़ेगा, यूट्यूब देखेगा, ट्रेनर्स को सुनेगा। कहने का मतलब जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से जो मुझे रूल्स है वो बनाने पड़ेंगे। और दोस्तों ऐसे ही लोग अपने जीवन में मकसद को प्राप्त करते हैं जिनके पास मीनिंगफुल लाइफ होती है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, कोई मीनिंग नहीं होता, कोई रूल ही नहीं है जिंदगी में, कोई फोकस नहीं है, चल रहे हैं कर रहे हैं, कोई मकसद नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई हैबिट्स नहीं है, कुछ भी खाने को मिल जाए खा लेंगे, कुछ भी पहनने को मिल जाए पहन लेंगे। दोस्तों ऐसे लोग मीनिंगलेस लोग होते हैं और मीनिंगलेस लोग कभी मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी पाते। आपके अपने असूल होने चाहिए, भाई मुझे ब्रेकफास्ट में यही खाना है, मुझे डिनर में यही लेना है, मुझे लंच में यही लेना है, मुझे यही कपड़े पहनने हैं, मुझे सुबह योगा करना है, मुझे जिम करना है, मुझे डेली 2 घंटे स्टडी करनी है, 2 घंटे MLM के एजुकेशन लेनी है, 1 घंटा रात को सोने से पहले कोई वीडियो सुननी है, सुबह उठ के अपने अपलाइन से बात करनी है, रात को सोने से पहले रिपोर्टिंग करनी है, अगर मैंने अपनी टीम में कहीं टाइम दे दिया तो उस टाइम से पहुंचना है, मुझे कभी मिस कमिटमेंट नहीं करना। सेट द रूल्स फॉर योर लाइफ दोस्तों, उसके बाद बनती है हमारी मीनिंगफुल लाइफ। और दोस्तों जब मीनिंगफुल लाइफ होती है जिस व्यक्ति की, वो ही कुछ मीनिंग सोच सकता है, वो ही कुछ मकसद बना सकता है, वही कुछ टारगेट बना सकता है। और दोस्तों जीवन की शुरुआत कहां से होती है, जब इंसान मीनिंगफुल लाइफ जीने लगता है तो वो बड़ा सोच भी सकता है और वो बड़ा कर भी सकता है। थिंक्स बिग टू अचीव बिग, सफलता की बात का दूसरा पार्ट। दोस्तों अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़े सोचने के पैसे नहीं लगते। दोस्तों बड़ा कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी वक्त रात को दिन में सुबह शाम कभी भी सोच सकता है, लेकिन बड़ा सोचना पड़ेगा अगर बड़ा बनना है तो। और दोस्तों सोच, सोच क्या है? सोच हमारी अपनी है, सोच आपकी है, सोच मेरी है, सोच हम सब की है, हम सब अपने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को सोचते हैं। और दोस्तों इस दुनिया में सोच को बढ़ाने के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सोच को बढ़ाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, सोच को बढ़ाने के लिए कोई इंजीनियर नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपकी सोच नहीं बढ़ा सकता सिवा आपके। दोस्तों आज आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर से बात करोगे और डॉक्टर को बोलोगे कि भाई मुझे डायबिटीज की दवाई दे देगा, मेरा ऑपरेशन कर देगा, मुझे घुटनों की दवाई दे देगा, लेकिन अगर आप उससे बोलोगे यार मुझे सोच की दवाई दे, मैं बड़ा सोचना चाहता हूं, तो बोलेगा भाई ये दवाई मेरे पास नहीं है, ये सोच तो आपकी है, ये जिंदगी आपकी है, जैसा आप सोचोगे वैसे आपकी जिंदगी चलेगी। दोस्तों अगर बड़ा बनना है, रियली अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना शुरू करो। बड़ा सोचने के पीछे कौन सी वो ताकत है जो आपको बड़ा सोचने को मजबूर कर देगी या बड़ा बनने को मजबूर कर देगी? दोस्तों वो एक ही ताकत है, एक ही टोनिक है, एक ही सिरप है, एक ही तरीका है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़े लोगों की संगत में रहो, छोटे लोगों की संगत से दूर होके बड़े लोगों का हाथ पकड़ो, हर बड़े आदमी के साथ बैठो, बड़े आदमी के विचार सुनो, बड़े आदमी के ड्रीम सुनो, उसकी उससे एजुकेशन लो, उसको फॉलो करो। बड़ा एटमॉस्फेयर ही बड़ी सोच को डेवलप कर सकता है। दोस्तों एक इस दुनिया में हर व्यक्ति एक ही दिमाग के साथ पैदा होता है, एक जैसे हाथ पैर, एक जैसे नाक मुंह आंख के साथ पैदा होता है, लेकिन एक आदमी बचपन से बड़ा सोचता है, एक आदमी बचपन से छोटा सोचता है। इसके पीछे कारण क्या? दोस्तों इसके पीछे छोटा सा कारण होता है कि किस घर में हमने जन्म लिया। अगर हमने अंबानी के घर में जन्म लिया होता तो हम भी बड़ा सोचते, हमने किसान के घर में जन्म लिया है इसलिए हमारी सोच छोटी है। और जिसने अंबानी के घर में जन्म लिया अगर उसको किसान के घर में डाल देते और वहां वो पल बढ़ के जवान होता तो उसकी सोच भी छोटी होती, और जिसने किसान के घर में जन्म लिया है अगर उसको अंबानी के घर में डाल देते तो उसकी सोच बड़ी होती क्योंकि उसने अंबानी का एटमॉस्फेयर देखा है। दोस्तों सोच बढ़ाएगा एटमॉस्फेयर, आपको बड़ा सोचने को मजबूर करेगा बड़ा एटमॉस्फेयर। तो मेरा कहने का मतलब है SLPS का हर डायरेक्ट सेलर जो यहां पर कैरियर बनाना चाहता है, इंडस्ट्री का कोई भी डायरेक्ट सेलर जो अपना कैरियर बनाना चाहता है, आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज करो। आप बड़ी सोच के लोगों के साथ बैठो, बड़ी चीजों के पास जाओ, बड़ी चीजों से डरे मत, बड़े लोगों से डरो मत। जितना बड़े लोगों के साथ बैठोगे उतना ही बड़ा सोचोगे, क्योंकि दोस्तों हमारी मजबूरी है कि जिस घर में हमने जन्म लिया वहां से छोटी छोटी बातें होती थी, और नौकरी की बात होती थी, 10,000, 20,000, 50,000 की बात होती थी। दोस्तों आज तक अंबानी के घर में 50,000, 10,000 की बात नहीं होगी, वहां 50 लाख की, 50 करोड़ की बात हुई होगी, क्योंकि वहां पर पैदा होने वाले सभी लोगों ने एक हेल्दी एटमोस्फेयर में जन्म लिया है, एक बड़ी सोच के साथ जन्म लिया है, तो उनका जो सोच का दायरा
दायरा है वो बड़ा है, उनका नौकरी का दायरा नहीं है, उनका मजदूरी का दायरा नहीं है, उनका 20,000 का दायरा नहीं है, उनकी सोच का दायरा अरबों का है, खरबों का है। इसी तरह आपको अगर अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है दोस्तों, तो हमारी मजबूरी है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हम अपर मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी सोच का दायरा वो एटमोसफेयर नहीं बढ़ा सकता जिसमें आज हम रहते हैं। हमारी सोच का दायरा वो एटमोसफेयर बना सकता है जिसमें आज आप काम करते हो, आपकी इंडस्ट्री, आपकी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके वो अचीवर, वो लीडर, उनके साथ आपको बैठना चाहिए, उनकी आपको विचार सुनने चाहिए, वही लोग आपकी सोच को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जिन घरों में, जिन गलियों में, जिन गांवों में आप रहते हो, वहां इतनी बड़ी सोच नहीं है, क्योंकि आपने जो सोच लिया वो उनको हजम नहीं हो सकता कि एक आम आदमी 100 करोड़ कमाने के बारे में कैसे सोच सकता है। ये उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे शापित हो गया है, जैसे इसने कोई पाप कर दिया है, जबकि दोस्तों उसने अपने जैसों को कमाते हुए देखा है, उसने पोर्शे लेते हुए लोगों को देखा है, जगुआर लेते हुए देखा है, बीएमडब्ल्यू लेते हुए देखा है, अपने ही जैसे लोगों को, इसलिए उसकी सोच का दायरा बढ़ा है। और दोस्तों दूसरा बड़ी सोचने का, बड़े सोच का एक तरीका और है कि जितनी भी बड़ी चीजें हैं उनके पास जाओ, उनसे दूर मत भागो, उनसे डरो मत, उनके पास जाओ। आपके पास साइकिल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्जिस के शोरूम में जाओ, मर्जिस को देख के आओ, उसमें बैठ के आओ, उसकी ट्रायल लेके आओ। आपके पास साइकिल है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास आज 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की इनकम है, लेकिन 5-star होटल में जाओ, वहां पर 100 रुपए की कॉफी पी के आओ। ये बड़ी चीजें हमारे लिए बनी है दोस्तों, इनसे डरो मत। जितना इनसे डरोगे आपसे दूर भागेंगी, और जिनका इनके नजदीक जाओगे आपके पास आएगी। ये लोहे और चिमक वाला खेल है। बड़ी चीजें उस आदमी से दूर भागती है जो उनसे डरता है, और उस आदमी के पास आती है जो उनके पास बार बार जाता है। जब आदमी बार बार जाता है, बार बार जाता है, अरे दोस्तों बड़े सुनार के शोरूम में घुस जाओ, उससे बोलो 50 लाख का हार दिखा, अरे वो दिखाएगा, वो ये थोड़ी कहेगा तू कौन है, कहां से आया है, देखने के पैसे नहीं लगते। देखो, एहसास करो, उसको छुओ। बड़े ब्रांड के शोरूम में जाओ, बड़े कपड़े ट्राई करो, 50,000 की जींस कैसी होती है, 1 लाख की जींस कैसी होती है, जाओ एहसास करो, प्राप्त करोगे एक दिन। पहले एहसास तो करो, पहले छूकर तो देखो, उनको महसूस करके तो देखो। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया का सबसे बड़ी जो पावर हमारे पास है वो माइंड पावर, हमारा माइंड बड़ी ताकतवर चीज है। जब हम अपने ऐसी जगह जाएंगे, बड़ी चीजों से प्राप्त करेंगे, बड़ी चीजों को छुएंगे, उनका एहसास करेंगे तो उन्हें प्राप्त क्यों करेंगे, क्योंकि माइंड सोच लेता है, माइंड एक इमेज कैप्चर कर लेता है कि यार ये चीज में बड़ा मजा आया था, मर्जिस की टाइप में बड़ा मजा आया था, 50 लाख का गहना देखने में बड़ा मजा आया था, 1 लाख की चीज पहनी थी तो माइंड कहता है बड़ा अच्छा सुकून महसूस हुआ था, 5-star होटल में खाना खाया था तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ था। तो ये माइंड इमेज कैप्चर कर लेता है और इस बॉडी को सिग्नल देना शुरू करता है कि मुझे यही एहसास चाहिए, मुझे बड़ा सुकून मिला था मर्जिस की ट्राई लेने में, मुझे बड़ा सुकून मिला था 5-star में खाने में, मुझे बड़ा सुकून मिला था 50 लाख का गहना हाथ लगाने से, उसको पहनने से, उसको देखने से, 1 लाख की जींस पहने, मुझे बड़ा सुकून मिला था। तो माइंड ये इमेज कैप्चर कर लेता है और फिर माइंड इस बॉडी को सोने नहीं देता, इसको रेस्ट करने नहीं देता। माइंड कहता है बॉडी को, मुझे वो एहसास दोबारा चाहिए, मुझे वो फीलिंग दोबारा चाहिए, जा दोबारा। या तो ट्राई करता रहे, लेकिन जब बार बार आदमी ट्राई करता है दोस्तों, ट्राई अगेन एंड अगेन, You will achieve everything. एक दो प्राप्त भी करता है। तो मेरा कहने का मतलब है, बड़ी चीजों से दूर मत भागो, बड़ी चीजों के नजदीक जाओ, ये अपने आप एक दिन आपके घर पे आएगी, आपके पास आएगी। यही है बड़ी सोच का बड़ा जादू। देखो दोस्तों, ये नेचर है, से कनेक्टेड है, हमारी सोच नेचर से कनेक्टेड है। हम हर चीज से लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन नेचर से लड़ाई नहीं लड़ सकते। जिसने भी प्रकृति से लड़ाई लड़ने की कोशिश की है दोस्तों, वो इंसान हमेशा जीवन में हारा है। जिसने भी प्रकृति से लड़ाई लड़ने की कोशिश की है वो हमेशा हारता है। ये नेचुरल है, जैसे हम सोचते हैं जीवन में वैसा होता है। आप बिना, मैं जैसे नेचर की बात करूं, गर्मी में सर्दी नहीं हो सकती, सर्दी में गर्मी नहीं हो सकती, बिना खाए हम जी नहीं सकते, बिना सोए हम जी नहीं सकते, नेचुरल है साहब। आप बेड पे लेटते हो आपको नींद आ जाती है, आपको अपने आप भूख लग जाती है, ऑटो मोड में सारी चीजें चल रही है ना, ये हम थोड़ी चलाते हैं। हमारा लीवर अपने आप खाना पचा देता है, हम अपने आप फ्रेश हो जाते हैं। ये क्या है, ये नेचुरल ऑटो चीजें हैं, ये नेचुरल है, ये नेचर से कनेक्टेड है। इन चीजों पे इंसान कभी जीत हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह हमारी सोच भी नेचर से कनेक्टेड है, इंसान जैसा सोचता है वैसा होता है। दोस्तों जब आप शाम को बेड पे लेटते हो, सिर्फ सोचते हो चलो सो जाना चाहिए, आपको नींद आ जाती। आप डाइनिंग टेबल पे जाते हो, आप खाना खा लेना चाहिए, आपको भूख लग जाती है।
अचानक जैसे ही आप सोचते हो आपकी बॉडी में वही रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। दोस्तों सबसे पहली बात है भाई सोच बढ़ाओ, और सोच बढ़ाने का एक ही तरीका है कि बड़ी सोच के लोगों के साथ रहो और बड़ी चीजों के साथ रहो। अगर आज है नहीं तो बार बार जाके उनका एहसास करो, लेकिन सोच बढ़ाओ। दोस्तों आपने देखा होगा इस माइंड में इतनी ताकत है, ये जो चाहे आपको जीता सकता है। ये सोच में बहुत बड़ी ताकत है कि जब आप रात को सोते होगे और सुबह आपको कहीं जाना होगा, कई बार ऐसा होता होगा सुबह 4 बजे उठना होगा, आप बिना अलार्म के सो जाते होगे और ये सोच के सो जाते हो कि यार सुबह उठना है, 4 बजे जाना है। दोस्तों बिना अलार्म के एक आम आदमी की नींद खुल जाती है। क्या उस आम आदमी ने कभी सोचा यार कि मैं तो सोच के सोया था और मेरी नींद खुल गई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो हम सोचते हैं वो डेफिनेटली होता है। अब सोचो, हम सो गए थे सोच के सुबह 4 बजे उठना है। हमारी ये मजबूत सोच, ये माइंड इतना पावरफुल है कि सोता हुआ आदमी मरा हुआ आदमी जैसा होता है। मेरे दोस्त अगर ये सोच मरे हुए इंसान को जगा सकती है तो आज तो हम जीते जिंदे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। अगर जीते जी हम कुछ बड़ा सोच लें तो इस सोच उसे प्राप्त भी करवा सकती है, लेकिन सोचने के लिए बाय हार्ट सोचना पड़ता है। ईमानदारी की सोच होती है, ऑनेस्टी की सोच होती है, सच्चाई की सोच होती है, तड़प की सोच होती है कि तड़प के हाँ मुझे ये प्राप्त करना है। ऐसे नहीं सिर्फ सोच लिया, दिल से सोचना पड़ता है। और जब हम दिल से सोचते हैं तो बॉडी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे आती है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी ने लॉन्ग जंप किया, इतना बड़ा लॉन्ग जंप किया कि पहली बार किसी ने, सारे रिपोर्टर आ गए, पहली बार किसी ने इतना बड़ा जंप किया तो रिपोर्टर पूछे भाई तूने इतना बड़ा जंप कैसे कर दिया यार, ये तो आज तक कोई कर नहीं पाया, इतना बड़ा मतलब तूने पोल लांग दिया। तो उसने कहा कि फर्स्ट व्हेन आई सी द पोल, जब मैंने पोल देखा जो मुझे लांगना है, फर्स्ट आई थ्रो माई हार्ट एंड माई माइंड ओवर द बार, देन माई बॉडी फॉलोज माई माइंड एंड माई हार्ट। कि भाई जब मैंने पोल देखा सबसे पहले ना कर लूंगा, हो जाएगा, मेरा दिल बोला, मेरा दिमाग बोला और मेरी बॉडी ने मेरे दिल और दिमाग को फॉलो किया। दोस्तों आज आप एसलीपेस वेलनेस में काम कर रहे हो, आपको यहाँ पर 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। एसलीपेस अरबपति पैदा करेगी 100% लोगों को अरबपति बनाएगी। और मेरा हर डायरेक्ट सेलर 100 करोड़ का अरबपति मैं बनाना चाहता हूं, उसे देखना चाहता हूं। आप आज अरबपति नहीं हो, आज साइकिल पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, झोपड़ी में हो, एक कमरे के घर में हो, किराए पे हो, अपने मकान में हो, दो कमरे के घर में हो, तंगी में हो, परेशानी में हो, ये तंगी परेशानी आपको बड़ा सोचने के लिए तो मना नहीं करती ना। आज सोचो कि एक दिन एसलीपीएस वेलनेस में मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा ही कमाऊंगा, 10 करोड़ कमाऊंगा, 1 करोड़ कमाऊंगा, 5 करोड़ कमाऊंगा। बस सोच को फेंक दो और आपकी बॉडी अपने आप फॉलो करेगी। लेकिन सोच ईमानदारी की होनी चाहिए, सोच सीरियस होनी चाहिए, इस सोच में कुछ बनावटी पन नहीं होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, थिंक बिग अचीव बिग। बड़ा सोचोगे बड़ा जरूर पाओगे सफलता की। चलते हैं तीसरी बात की तरफ। सफलता की तीसरी बात, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, सेट योर रियलिस्टिक गोल्स। मतलब रियलिस्टिक गोल्स। दोस्तों हर इंसान, बहुत ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है, हमें गोल्स बनाने की बात करते हैं, गोल बनाओ गोल बनाओ गोल बनाओ गोल बनाओ। तकरीबन लोग गोल बनाते भी हैं, गोल डिसाइड भी करते हैं, कुछ पूरा कर पाते हैं, कुछ पूरा नहीं कर पाते। इसके पीछे एक ही रीजन है दोस्तों, गोल में ज्यादातर लोगों से गोल बनाओ, सर गाड़ी खरीदनी है, सर घर खरीदना है, सर बैंक बैलेंस लाना है। भाई ये गोल तो किसका नहीं है, ये गोल ऑटो गोल है, ये रियलिस्टिक नहीं है। गाड़ी खरीदनी है, हाँ जरूरत सबकी है, अच्छा घर जरूरत सबकी है, ये तो ऑटो, ये तो लाइफ में वो पार्ट है जो इसेंशियल है, जो हर आदमी को चाहिए जिंदगी जीने के लिए। ये भी गोल है, ये गोल है, ये पाना भी है, लेकिन उससे पहले भी दोस्तों एक गोल है, सेट योर रियलिस्टिक गोल्स। सेट योर रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक गोल्स, हम यहां क्यों आए, किस लिए आए? कनेक्ट योर गोल्स विद योर इमोशंस। अपने सपनों को अपनी भावनाओं से कनेक्ट करो, अपनी जरूरतों से कनेक्ट करो, आपकी जिंदगी में जो तकलीफें हैं अपने सपनों को उनसे कनेक्ट करो। आज आप यहाँ पर आए हो तरक्की करने के लिए, कामयाब होने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए हो आप यहाँ पर, आप अपने घरों की तकलीफें दूर करने को आए हो,
जो पैसे से ही दूर हो सकती है, बातों से दूर नहीं होगी। किसी के घर में बाप बीमार हो सकता है, किसी की बहन की शादी उसका गोल हो सकता है, किसी का सबसे पहले किराए का घर छोड़ के घर बनाना गोल हो सकता है, किसी का सबसे पहले गाड़ी लेना गोल लोन हो सकता है, किसी का कर्जा उतारना गोल हो सकता है, किसी का बैंक से जमीन खरीदना लोन गोल हो सकता है। मेरा कहने का मतलब मेरे दोस्त, गोल अपने अपने होते हैं, और गोल अगर सच्चे होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, तो जरूर पूरे होते हैं। गोल बनावटी होते हैं, गोल दिखावटी होते हैं। लक्ष्य दिखावटी हो, लक्ष्य बनावटी हो, वो लक्ष्य होता ही नहीं। लक्ष्य सच्चा हो, लक्ष्य ईमानदारी से निर्णय किया हुआ हो, निश्चित किया हो कि मेरे घर की आज ये तकलीफ है, मुझे आज उसको पूरा करना है। मेरे घर में साइकिल है, मुझे सबसे पहला गोल मेरा मोटरसाइकिल है। एम्बेसडर नहीं है, बीएमडब्ल्यू नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, साइकिल है तो भाई मोटरसाइकिल चाहिए। मैं किराए पे घर पे रहता हूं, मेरा गोल है कि फटाफट मुझे नया घर, चाहे दो कमरे का मिले, मुझे अपना घर खरीदना है। मेरा भाई पढ़ने जाता है, मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ सकता है, मेरा गोल है कि मुझे अपने भाई को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे, इतने पैसों की जरूरत है, मुझे सबसे पहले वो पैसे प्राप्त करने। दैट इज फॉर रियलिस्टिक गोल्स। तो दोस्तों, आप अपनी डायरियों में गोल बनाते हो, उनको रियलिस्टिक बनाओ, इनको अपने इमोशंस से कनेक्ट करो, अपनी जरूरतों से कनेक्ट करो। जो तकलीफें जिंदगी में आपकी हुई हैं, उन तकलीफों को दूर करने के लिए अपने गोल बनाओ, ना कि दिखावे के लिए, पैसे के लिए नहीं, तकलीफों को दूर करने के लिए अपने गोल बनाओ। और जो आपका लक्ष्य है ना दोस्तों, वो स्मार्ट होना चाहिए। जो लोग नहीं बनाते, मैंने बहुत सी ट्रेनिंग लेता हूँ, हाँ भाई क्या गोल है सर, 2020 में गाड़ी लेनी है। भाई कौन सी लेनी है, पता नहीं सर, देखूंगा जब पैसे आएंगे। सर मुझे 2023 में घर बनाना है, कहाँ बनाना है पता नहीं सर, कौन सी कॉलोनी में बनाना है पता नहीं सर, कितने गज का बनाना है पता नहीं सर, इंटीरियर कितने का कराना है पता नहीं सर। ये गोल नहीं है, ये पावर, वो एनर्जी, वो ताकत आपके अंदर जीतने की आ ही नहीं सकती। गोल होता है स्मार्ट, स्पेसिफिक। बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज 55 लाख की मेजरेबल 2023 में लेनी है, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। 2023 5 जनवरी शाम को 5:30 बजे बीएमडब्ल्यू की चाबी लेके आऊंगा 5 सीरीज की। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट गोल। घर 200 गज का फलानी कॉलोनी में, इतना 2 मंजिल का, 70 लाख का, 30 लाख का इंटीरियर इसी कॉलोनी में, यहां लूंगा ही लूंगा 25 जनवरी 2024 को लूंगा यहां पर इस कॉलोनी में। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट गोल। दोस्तों, इस दुनिया में अगर बड़े लोग भी ऐसे गोल बनाते कि हम प्राप्त कर लेंगे, तो कभी बड़े नहीं बन पाते। हमें इस दिन तक प्राप्त करना है, इसलिए इस दुनिया में दोस्तों, किसी ने ये नहीं कहा कि रेस कितनी भी हो सकती है, रेस या तो 100 मीटर की होगी, या 200 मीटर की होगी, या 300 मीटर की होगी, या 400 मीटर की होगी, चुनाव 5 साल में होंगे या 5 साल में ही होंगे। इस दुनिया में जितने भी लक्ष्य बने हैं, वो टाइम लिमिट पे बने, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं हो, हाँ भाई दौड़ना है तो दौड़ते रहो भाई, कहां तक दौड़ना है पता ही नहीं तो दौड़ते रहो पूरी जिंदगी, दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, थका के भाग जाओगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे यार मैंने अचीवमेंट प्राप्त नहीं करी। मौका मिलने के बाद, क्योंकि आपका गोल स्मार्ट नहीं था, स्पेसिफिक नहीं था, मेजरेबल नहीं था, अटेनेबल नहीं था, रियलिस्टिक नहीं था, टाइमली नहीं था। तो दोस्तों, अपने गोल की डायरी को चेंज करो, उसमें अपने इमोशंस को कनेक्ट करके अपने गोल लिखो, और हर गोल को बीट करने की डेट और टाइम लिखो। और गोल 3 पार्ट में जीवन में बांटे जाते हैं, और गोल फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। आज कुछ है तो 6 महीने बाद कुछ और हो सकता है, क्योंकि आज घर की, आज मेरा गोल है गाड़ी खरीदना, 6 महीने बाद मेरे भाई डॉक्टर बन रहा है, वह 50 लाख लग रहे हैं, तो हो सकता है मैं गाड़ी की बजाय अपने भाई को डॉक्टर बना दूं। फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि गोल फ्लेक्सिबल नहीं होते, जरूरतों के अनुसार होते हैं अपनी, कि अब हमें क्या जरूरत है। और दोस्तों, गोल को 3 पार्ट में अगर हम बांट ले, तो 100% हर आदमी बड़े से बड़ा गोल भी अचीव कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम होगा, कहते हैं कि यू कैन ईट अ एलिफेंट एट अ टाइम। क्या आप एक दिन में हाथी खा सकते हो? 100 करोड़ कमाना एक तरह से हाथी खाने के बराबर है। बंदा कहता है नहीं खा सकता, मैं जीवन में कभी हाथी नहीं खा सकता, मैं भी कहता हूं मैं भी नहीं खा सकता, आप भी सोचोगे आप भी नहीं खा सकते, लेकिन नहीं, हम सब हाथी खा सकते हैं। वी कैन नॉट ईट अ एलिफेंट एट अ टाइम, पर वी विल ईट अ फुल एलिफेंट वन बाइट एट अ टाइम।
छोटा छोटा टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा खाएंगे, एक दिन पूरा हाथी हजम कर जाएंगे। हजार के चेक से शुरुआत करेंगे, 2000 का, 3000 का, 4000 का, 5000 का, 6000 का, धीरे 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 1.5 लाख का भी होगा, 50 लाख महीने का भी होगा, 100 करोड़ भी आएंगे, पूरा हाथी हम खा जाएंगे, वन बाइट एट अ टाइम। दोस्तों इसीलिए गोल को तीन पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है मिडिल टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। पहला गोल, आज मैं फ्रेशर आया हूं, मेरे को 6 महीने का गोल बनाना है। भैया 6 महीने में मेरे घर की सबसे बड़ी जरूरत ये है, ये मुझे पूरी करनी है, डेट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल। फिर मुझे 3 साल का गोल बनाना है कि जब ये जरूरत पूरी हो जाएगी तो मेरे घर की बड़ी जरूरत ये है 6 महीने से 3 साल की, डेट इज कॉल्ड मिडिल टर्म गोल। फिर जब ये जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर लॉन्ग टर्म गोल कि आप मुझे अगले 10 साल के अंदर ये चीजें प्राप्त करनी है, 15 साल के अंदर ये प्राप्त करनी है, ये मेरी जिंदगी होगी, मेरा 2 करोड़ का बंगला होगा, 5 करोड़ का फार्म हाउस होगा, 5 करोड़ की गाड़ी होगी, 10 करोड़ का बैंक बैलेंस होगा, डेट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म गोल। लेकिन आपको कितनी भी बड़ी मंजिल की शुरुआत पहली सीढ़ी से करनी होती है दोस्तों, डेट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल। एकदम से मत देखो अनु शर्मा पोर्शे में, तो मुझे पोर्शे में घूमना है। अरे बेटा आप फ्रेशर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, आज आप पोर्शे नहीं ले सकते, लेकिन आज से 4 साल बाद आप भी पोर्शे ले सकते हो। आप वो 4 साल के हिसाब से अपने आप को मैनेज करो, 4 साल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, अपनी प्लानिंग बनाओ, 5 साल के हिसाब से प्लानिंग बनाओ। यू कैन नॉट विन मेक अ ताजमहल इन अ डे, एक दिन में ताजमहल नहीं बनेगा भाई, एक दिन में एक कमरे का घर बन सकता है, ठीक है, झोपड़ियां बन सकती है। अगर जिंदगी ताजमहल वाली चाहिए, जिंदगी 7 स्टार चाहिए, तो थोड़ा समय लगता है, और समय के साथ इंसान को कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, समय देना चाहिए। बच्चा 9 महीने में होता था, 9 महीने हुआ, बड़ी बड़ी साइंस आ गई, 2 महीने में कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाई। तो जीवन का हर चीज का एक सिस्टम है, डिसिप्लिन टाइम है, जितना लगता ही लगता है। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कम से कम 5 साल एक व्यक्ति को लगेंगे ही लगेंगे अचीवमेंट प्राप्त करने में, एक अच्छी जिंदगी जीने में, एक अच्छी जिंदगी आने में 5 साल लगेंगे लगेंगे भाई। ये कोई गेहूं की फसल थोड़ी है कि 3 महीने में हो जाएगी फिर कट जाएगी, 3 महीने में हो जाएगी फिर कट जाएगी। ये आम का पेड़ है भाई, 5 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है, लेकिन पूरी जिंदगी फल देता है। ये बंबू ट्री है जो 6 साल में 6 फीट बढ़ता है, लेकिन 6ठे साल में 600 फीट बढ़ जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप दूसरी नौकरियों से, दूसरे व्यापार से कंपेयर बिल्कुल ना करें। अपने लक्ष्य यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो प्रिंसिपल है, जो दायरे है, जो मायने हैं, जो तौर तरीके हैं, उसके अनुसार अपने लक्ष्य बनाएं। नौकरी के हिसाब से या दुकानदारी के हिसाब से अपने लक्ष्य बनाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। और दोस्तों गोल की इमोशन से जब लोग गोल कनेक्ट होता है तो उसकी ताकत क्या होती है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। एक सट्टा लगाने वाला व्यक्ति था, तो वो जब दौड़ होती थी तो उसमें सट्टा लगाता था कि भाई कौन जीतेगा, वो सट्टा लगाता था और जीत जाता था। तो एक बार जब उसने सट्टा लगाया, दो दौड़ने वाले लोग थे, 100-100 मीटर की दौड़ थी, दोनों अच्छा दौड़ते थे, तो किसी ने कहा भाई तू सट्टा मास्टर है, तू सट्टा लगाता तो ये बता कौन जीतेगा। उसने कहा आज बी जीतेगा। बोला बी ए क्यों नहीं, ए भी अच्छा दौड़ता है, बराबर का दौड़ता है। बोला इसके पीछे एक कारण है, ए और बी दोनों बराबर के दौड़ते हैं, दोनों एक जैसा दौड़ते हैं, लेकिन जीतेगा बी, ए नहीं जीतेगा। वो बोला ऐसा क्यों यार, ए भी तो उससे ज्यादा अच्छा दौड़ता है। बोला कुछ भी हो बी जीतेगा। बोला कारण तो बता। बोला इसलिए कि जो ए दौड़ेगा वो गोल्ड मेडल के लिए दौड़ेगा, गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए, और जो ये बी दौड़ रहा है इसकी माँ बीमार है, ये अपनी माँ की बीमारी के लिए दौड़ेगा, और जब इसकी माँ बीमार है तो जो शक्ति, जो एनर्जी इसकी माँ को ठीक करने के लिए, दौड़ के पैसे जीत कर उसको ठीक करने के लिए जो एनर्जी इसकी बॉडी में आएगी वो एक ही बॉडी में नहीं आएगी। तो इसे कहते हैं रियलिस्टिक गोल्स, कनेक्ट विद योर गोल, विद योर इमोशंस। दोस्तों हर लक्ष्य आप प्राप्त करोगे अगर उस लक्ष्य में आपके सच्चे इमोशंस उसमें होंगे, हर लक्ष्य आपके लिए छोटा हो जाएगा, हर अचीवमेंट आपके लिए छोटी हो जाएगी, और आपके अंदर वो पावर आएगी, क्योंकि जब मेरी माँ बीमार होगी तो जैसा मैं कभी नहीं दौड़ा आज ऐसा दौड़ूंगा, क्योंकि आज मेरी माँ बीमार है और मुझे वो मेडल प्राप्त करके अपनी माँ के लिए दवाइयां लानी है, ऐसा मैं कभी नहीं दौड़ा जैसा मैं आज दौड़ूंगा। दोस्तों इसे कहते हैं रियलिस्टिक गोल। तो दोस्तों अब बात करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद SLPS का हर डायरेक्ट सेलर इमोशनली गोल बनाएगा, रियलिस्टिक गोल बनाएगा, अपनी तकलीफों से, अपनी जरूरतों से कनेक्ट करके गोल बनाएगा, शॉर्ट टर्म बनाएगा, मिडिल टर्म बनाएगा, लॉन्ग टर्म बनाएगा, और स्मार्ट बनाएगा, और 100% डेट और टाइम के साथ उसे प्राप्त करेगा। ये आज 100% मेरा दिल कह रहा है ऐसा जरूर होगा। सफलता की बात करते हैं चौथी, क्रिएट योर ड्रीम बोर्ड।
अपने अपने घर में अपने गोल बनाओ, रियलिस्टिक गोल बनाओ, इमोशनल गोल बनाओ, अपनी जरूरतों से जिंदगी से कनेक्ट करके गोल बनाओ और बड़े बड़े बोर्ड बनाओ और बड़े बोर्ड में बड़ी बड़ी फोटो लगाओ, टाइम फ्रेम लिखो, क्या लेना है, कितने का लिखा है, उस ड्रीम बोर्ड को सुबह देखो। दोस्तों आप सपनों की दुनिया में आए हो, आप यहाँ घर चलाने नहीं आए, गुजारा करने नहीं आए, घर चलाने के लिए नौकरियां हैं दोस्तों, गुजारा करने के लिए नौकरियां हैं, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग सपनों की दुनिया है, डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों की दुनिया है जो सपने देखते हैं, बड़े सपने जिनके होते हैं लेकिन उनकी दुनिया में पूरे नहीं होते, वो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं, यहाँ सपने पूरे करने आते हैं मेरे दोस्त लोग, घर चलाने रोटी खाने नहीं आते। रोटी खाने के लिए 10-50 हजार काम मार्केट में है, जो सपने अगर पूरे करने हैं तो वो एक ही काम है, एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए डायरेक्ट सेलिंग और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। तो मेरा कहने का मतलब, हम सपनों की दुनिया में, तो हमारे सपने कहां है, दिमाग में नहीं, बोर्ड पे होने चाहिए, घर में लगे होने चाहिए, किचन में लगा होना चाहिए, वॉशरूम में मेरा सपना जब मैं बैठता हूं तो सामने लगा होना चाहिए, मेरी डायरी में मेरा सपना होना चाहिए, मेरे मोबाइल में मेरा सपना होना चाहिए। क्यों? सपने वो ताकत रखते हैं दोस्तों, आज से पहले हमने इतनी मेहनत नहीं करी, जब से हमने सपने देखे हमें मेहनत करने का जज्बा आ गया, हमें एनर्जी आ गई, मोटिवेशन आ गया, इंटरनल पावर हमारी जाग गई। किसने जगाई? सपनों ने। एक ही बार देखे ना तो जागते हैं, और रोज रोज देखेंगे तो, हर सुबह घर से अपना सपना देख के निकलेंगे तो, रिमाइंडर रिमाइंडर, जैसे मोबाइल में आता है रिमाइंडर रिमाइंडर, हर सपना रिमाइंडर मांगता है, हर सपना कहता है मुझे बार 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 सोच, बार बार देख, बार बार पाने की इच्छा प्राप्त कर, एक दिन मैं जरूर पूरा होऊंगा। तो बार बार अपना ड्रीम बोर्ड बनाओ, रोज एक रिफ्रेश एनर्जी आएगी, रोज एक नई ताकत आएगी, एक ऊर्जा आएगी, क्योंकि आपने रिमाइंडर लगा दिया सपनों का रिमाइंडर लगा दो दोस्तों, मोबाइल में, डायरी में, घर में, किचन में, वॉशरूम में, सब जगह अपने सपने टांग दो, भर दो सपनों से अपना घर, एक दिन वो सारे सपने उस घर में झक मार के आएंगे, क्योंकि वो सपने रोज आप देखते हो, रोज रिमाइंड करते हो, और जो रिफ्रेश एनर्जी के साथ रोज अचीव करने की कोशिश करते हो। और दोस्तों ये सपने अचीव कौन करेगा? यू आर द वन, यस आई एम द वन। लर्न टू एक्सपेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप से बात करो, आपके सपने कोई पूरा नहीं करेगा। एसलीपीएस वेलनेस मात्र एक प्लेटफॉर्म है, आपके लीडर, आपके अप्लायंस सिर्फ आपका सहारा है, आपके एजुकेशन टीचर हैं, आपके मेंटर्स हैं, पर करने आप ही को पड़ेंगे। अपने आप से कभी क्रिटिसाइज मत हुआ करो यार, अपने आप से शीशा देख के क्रिटिसाइज मत हुआ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। एक्सेप्ट योर सेल्फ कि दुनिया का हर काम मैं कर सकता हूं अगर मुझे काम करने का मौका मिले और सीखने का मौका मिले, अगर उस काम के प्रति मुझे एजुकेशन मिले और उस काम को करने का तौर तरीका मुझे मालूम हो, तो हर काम हर व्यक्ति कर सकता है। ऑलवेज एक्सेप्ट योर सेल्फ, खुद को महसूस करो, खुद को एनालाइजेशन करो, खुद की ताकत का एहसास करो। मैं बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, अरे तुम सब कुछ कर सकते हो, बस ये बोलो आई एम द बेस्ट, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यक्ति हूं, मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे फिंगरप्रिंट इस दुनिया में किसी के नहीं है, सिर्फ मेरे है। इसका मतलब भगवान ने सिर्फ मुझे इकलौता बनाया है, अनोखा बनाया है, अजूबा बनाया है, मैं बेस्ट हूं, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं, ये दुनिया मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि आई एम बेस्ट, यस आई एम द वन टू अचीव माय गोल। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो अपने सपने पूरे करूंगा। इसके बीच में लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, ये ऑप्टिकल्स, ये हर्डल्स आते रहेंगे, लेकिन आई एम द वन, आई एम द ओनली वन टू अचीव माय गोल। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो मेरे जीवन के सारे सपने पूरे करूंगा। इसके बीच में जो भी मेरे सपोर्टिंग पिलर्स हैं, मेरे अपलाइन, मेरी कंपनी, मेरे प्रोडक्ट, मेरे क्वालिटी, मेरा एजुकेशन सिस्टम, ये तो सब मेरे सपोर्टिंग पिलर्स हैं, ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ना मुझे खुद को है। तो अपने आप को महसूस करो, यस आई एम द वन, माई सिटी इज बेस्ट, मेरी शहर अच्छा है धंधा करने के लिए, मेरा गांव अच्छा है धंधा करने के लिए, मेरी कंपनी अच्छी है धंधा करने के लिए, मैं बेस्ट हूं, मैं दुनिया का सबसे बेहतर आदमी उस धंधे के लिए, और सबसे बेस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस मैं करके दूंगा, एक दिन सबसे बेस्ट रिजल्ट लाके मैं दूंगा, क्योंकि ये काम मुझे ही करना है। एक्सेप्ट योर सेल्फ, लर्न टू एक्सपेक्ट योर सेल्फ, अपने आप से कभी भागो मत, अपने आप से छुपो मत,
अपने आप से खुद को बचाओ मत। अब पाप को ही करना है भाई, आप ही को करना है, आप ही करोगे, और आप ही ने करा है। आज बहुत से लोग सिल्वर बने, ब्रॉन्ज बने, भाई आपने 3 लोग जोड़े, सिल्वर बने 6 लोग जोड़े, गोल्ड बने 12 लोग जोड़े। अरे इसका मतलब ये सारा सिस्टम तो आप ही ने बनाया ना, ये नेटवर्क तो आप, अरे टोपाज बने तो आप ही ने बनाया ना भाई, टोपाज बने तो रूबी भी बनोगे, रूबी बने सफायर भी बनोगे। जब आप यहां तक जा सकते हो तो ब्रांड एम्बेसडर तक क्यों नहीं जा सकते। बस खुद को मत भूलना दोस्तों, खुद को पहचान लो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ, ये 100% आज सफलता की बात का एक सब्जेक्ट है कि हर व्यक्ति अपने आप को आज के बाद बेस्ट समझेगा कि मैं बेस्ट हूं और मुझसे बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये मेरा काम है, ये मेरा सपना है, ये मुझे पूरा करना है। कोई साथ दे कोई साथ ना दे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं मेरा सपने के लिए दिन और रात लड़ूंगा। और जब ये अंदर से आवाज ऊपर जाती है तो परमात्मा भी साहब आपको देता ही देता है। सफलता की अगली बात, स्टेट ऑफ माइंड, हाउ इट वर्क्स। दोस्तों दुनिया में 3 तरह के माइंड होते हैं। एक माइंड होता है जो पास्ट की गलतियों से सीखता है और अपने प्रेजेंट को सुधारते हुए अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचता है। स्टेट ऑफ माइंड की हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल माइंड कौन सा होता है। तो आज आप लोग एनालाइज करना कि आपके पास वो कौन सा माइंड है, क्या वो पावरफुल है या थोड़ा वीक है। दूसरा एक माइंड होता है दोस्तों जो हमेशा बस फ्यूचर फ्यूचर की सोचता रहता है, और तीसरा एक माइंड होता है जो सिर्फ प्रेजेंट में जीता है। ये मैं आपको कुछ कहानियों से शेयर करना चाहता हूं तीनों माइंड के बारे में दोस्तों। नंबर पहले माइंड की बात करते हैं, प्रेजेंट की सोचने वाला माइंड, जो आज में खुश रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में कभी नहीं सोचता। वो एक ऐसा माइंड होता है जैसे एक जंगल में एक शेर था, बहुत सारे जानवरों को रोज खा जाता था। तो फिर जानवरों ने मीटिंग करी, यार ये शेर तो रोज जानवरों को खा जाता है, इससे अच्छा एक काम ना करे, एक एक जानवर इसके पास भेजे, इससे बात कर लो कि भाई तू इतने सारे मार देता है, खाता है एक दो ही है, तो हम रोज तेरे को एक जानवर भेज देंगे। तो इस तरह जंगल में सेटिंग होगी कि भैया एक हर दिन एक जानवर, आपने अपने बचपन की कहानियों में पढ़ा होगा कि इसके पास भेज देंगे। तो दोस्तों उसके पास रोज एक जानवर भेज दिया जाता, शेर खाता मस्त होता, जानवरों को मारना उसने छोड़ दिया। अब एक दिन एक खरगोश का नंबर आया, अब खरगोश का नंबर आया तो खरगोश अपना चल दिया, बोला भाई आज तेरे को जो है शेर का खाना बनना है। खरगोश चल दिया, खरगोश चला, थोड़ी देर में बारिश होगी, बड़े अच्छे घटा हो गए, बादल आ गए, 3 बजे पहुंचना था, खरगोश को 2 बज गए थे। खरगोश बोला चल यार नाच लेते हैं, थोड़ा इतना मजेदार बादल है, इतनी अच्छी बरसात है, थोड़ा नाचते हैं। खरगोश नाचने लगा, नाचते नाचते बज गए 5। खरगोश ने दौड़ा, भाई मुझे तो शेर के आ जाना था, 2 घंटे लेट हो गया। खरगोश निकला, खूब मजे लेते हंसते खेलते गया, शेर के पास गया, शेर को बोला भाई साहब मैं आ गया। शेर गुस्से में आग बबूला, अगर सी वो रखा, अबे बोला 3 बजे आना था, मैं भूखा मर रहा हूं। बोला भाई साहब क्या बताऊं, आता तो मैं 3 बजे ही, लेकिन रास्ते में एक शेर मिल गया, वो आपसे भी ताकतवर था, और मुझे ये बोला कि भाई कहाँ जा रहा है। मैंने कहा भाई साहब का खाना बनने जा रहा हूँ। बोला नहीं मेरा खाना बन। बोला भाई साहब मैं जान बचाते 2 घंटे हो गए, जान बचा के भाग दो आपके पास आयो। वो शेर तो पागल हो रखा था गुस्से में भूख में। शेर बोला कहाँ पर है। बोला चलो जी मैं दिखाता हूँ। वो शेर को ले गया, शेर को ले जाने के बाद जो है उसने एक कुएं के अंदर शेर को दिखाया कि देखो। अब शेर ने कुएं में देखा, उसकी खुद की परछाई आई, शेर को धाड़ा, नीचे कुएं में से इको आई, आवाज आई, शेर ने कहा नीचे शेर है, शेर कूदा, शेर मर गया। खरगोश फिर बारिश का मजा लेने लग गया, बादलों का मजा लेने लग गया, नाचने लग गया। खरगोश कौन था? एक होता है ऐसा खरगोश, एक होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे जीता सिचुएशन को, कैसी भी भयंकर से भयंकर सिचुएशन हो, लेकिन साइलेंट रहता है, निडर रहता है, इमोशनली स्ट्रांग रहता है, प्रेजेंट माइंड में जीता है। शेर जैसे लोग जो अशांत होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, भूख सहन नहीं होती, गुस्सा होता है, सोच रहे सकते शक्ति खत्म कर देते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते। दूसरा माइंड होता है, एक होता है दूसरा माइंड जो पास्ट से सीखते हैं और फ्यूचर को ठीक करते हैं, पास्ट की गलतियों से। अब हम कहेंगे बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं जो पास्ट से सीख के फ्यूचर की गलतियों को सही करते हैं। जैसे कि एक कौवा था, उसको पानी पीना था, लेकिन उसकी चोंच नहीं जा रही थी, तो उसने पढ़ा होगा आपने, उसने पत्थर डाले, धीरे धीरे पानी आ गया, और जो प्रॉब्लम थी उसने उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके पानी पी लिया। अब ऐसे लोगों को हम बोले सक्सेसफुल लोग हैं, बिल्कुल सही है, ये पास्ट की लर्निंग से सीखते हैं, पास्ट की गलतियों से अपने फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों कौवा सिर्फ पानी पी पाया,
लेकिन अगर कौवे के सामने मरने की सिचुएशन होती, लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन होती जैसी खरगोश के सामने थी, तो शायद कौवा उस प्रॉब्लम को ऐसे लोग फेस नहीं कर पाते जो पास्ट से सीखते हैं, फ्यूचर को सुधारते हैं, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, प्रेजेंट माइंड के नहीं होते। ये लोग अपने जीवन के अंदर जब इनकी जीवन का अंत होने की कोई बात हो उस समय अपने आप को नहीं संभाल पाते। और एक तीसरा माइंड होता है दोस्तों, लालची माइंड, फ्यूचर ग्रीडी माइंड। ग्रीडी माइंड वो ग्रीडी इमोशंस होते हैं, लालची लोग होते हैं। जैसे एक कुत्ता था, वो हड्डी लेके जा रहा था, अच्छी खासी हड्डी खाने को मिली हुई थी, वो जा रहा था नदी के ऊपर से, उसने नदी में देखा, उसकी परछाई में देखा कि एक कुत्ता और हड्डी लिए खड़ा, जब वो ही खड़ा था तो उसने अपनी हड्डी छोड़ दी और उस कुत्ते को खाने के लिए नदी में कूद कर मर गया, खुद की भी हड्डी गई और दूसरे की भी गई। ये होते हैं ग्रीडी इमोशनल लोग, जो लोग अपने लिए नहीं दूसरों का खाने के बारे में ध्यान ज्यादा समझते हैं और लालची लोग होते हैं। और हमेशा इनके अंदर अपना, आज इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है उससे फर्क नहीं पड़ता, और दुनिया की अपॉर्चुनिटी या दुनिया की अपॉर्चुनिटी में काम करते घूमते हैं। तो ये होते हैं तीन तरह के माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों हमारी जिंदगी स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करती है। अब सबसे पावरफुल माइंड कौन सा होता है, मैं खुद बताता हूं, वो होता है प्रेजेंट, खरगोश वाला माइंड, कि भाई कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, ईमानदारी से कर, नेक नियत से कर, सच्चाई से कर, सुबह उठ शाम तक काम कर, रात को तान के सो जा, अगली सुबह उठ शाम तक काम कर, रात को तान के सो जा। जब काम करेगा तो अचीवमेंट अपने आप आएगी, बाई पार्ट है। पार्ट से दुखी मत हो, कल क्या था, फ्यूचर के बारे में मत सोच, ये तो चिंता हो जाएगी। दुखी और चिंतित आदमी कभी अच्छा जीवन नहीं जी सकता, पैसा कितना आ जाए फर्क नहीं पड़ता, अच्छा जीवन नहीं जी सकता। अगर अच्छा जीवन जीना है तो वही आदमी जी सकता है जो आज में जीता है। जब कल सुबह उठे भगवान को थैंक यू बोले, थैंक यू भगवान आज मैं सोया तो दुनिया मर गई लेकिन मैं फिर भी उठ गया, थैंक यू सो मच, आई एम द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड कि आज मैं जिंदा हूं। और उसके बाद जीवन को उस दिन बिंदास जिए और उसके बाद फिर सो जाए। देखिए दोस्तों, हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस हमारे फ्यूचर डिसाइड करती है। आज हमारा बेस्ट होना चाहिए तो कल तो अपने आप ही बेस्ट हो जाएगा। शाहरुख खान एक बात बोलता है कि जब भी मैं एक्टिंग पे जाता हूं, सेट पे जाता हूं, तो ये सोच के जाता हूं कि आज मेरे जिंदगी की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि यही आज मेरी आखिरी परफॉर्मेंस होगी। और दोस्तों ऐसे करते 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 वो 25 साल से राज करके इंडस्ट्री में, कि उसने हर दिन अपना बेस्ट दिया, बेस्टेस्ट दिया, और ये सोच के दिया कि यही मेरी आखिरी परफॉर्मेंस है, इसके बाद शायद मुझे मौका ना मिले। ये होता है प्रेजेंट माइंड की पावर। हमें आज अपना बेस्ट देना है। हम जब मार्केट में जाते हैं आज, तो आज अपना बेस्टेस्ट देंगे। कल क्या होगा, पहाड़ में जाए पता नहीं, कल दुनिया होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आज जीना है, आज बेस्ट परफॉर्म करना है, तो कल अपने आप बेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो पावरफुल माइंड है प्रेजेंट का माइंड है। और जो सबसे कमजोर माइंड के लोग होते हैं वो फ्यूचर वाले होते हैं, जो ग्रीडी कुत्ता, वो कुत्ता जिसके मुंह में हड्डी और नदी देखता है, नदी में अपनी परछाई को देखता है, कूद के खुद भी मर जाता है, हड्डी भी चल जाती है। अभी ने मैं ऐसी भाषा में कहूँ डायरेक्ट सेलिंग की, तो उस तरह के लीडर जो यहाँ भी धक्के खाए, कभी यहाँ आते हैं कभी वहां जाते हैं, दस दस पांच पांच कंपनियों में जाते हैं और हड्डियां देखते घूमते हैं कहाँ हड्डी मिलेगी, और जो उनके पास हड्डी होती है उसको छोड़ देते हैं। तो उनको मैं नाम से नहीं बोलूंगा, लेकिन उनकी मेंटल स्टेटस में बोलूंगा कि उनका स्टेट ऑफ माइंड बेटा यही होता है कि उन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती, दूसरे के पैसे, दूसरे की अपॉर्चुनिटी, दूसरी चीजें दिखाई देती है, उनको अपनी कमियां कभी दिखाई नहीं देती, अपने अपने अंदर क्या क्या उनके अंदर अच्छी चीजें नहीं है, बुरा, अपनी बुराइयों पे कभी बात नहीं करते, लेकिन वो दूसरों की बुराइयों पे बात करते हैं। तो ये तीसरे स्टेट ऑफ माइंड के लोग खुद भी बर्बाद होते हैं, दूसरों को भी बर्बाद कर देते हैं। अब बात करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एसलीपीएस वेलनेस का डायरेक्ट सेलर, एसलीपीएस परिवार का हर एक व्यक्ति परसेंट स्टेट ऑफ माइंड में जिए, क्योंकि मैं भी ऐसे जीता हूं। मैं सुबह उठता हूं, शाम तक मेहनत करता हूं, रात को तान के सोता हूं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा हो जाए, फ्यूचर की कभी चिंता नहीं करता और पास्ट से कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि दुखी और चिंतित आदमी कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आज के बाद हमारे ज्यादातर लोग प्रेजेंट लाइफ जिएंगे, तो देखो जिंदगी जीने का क्या मजा आता है। अब करते हैं सफलता की अगली बात, एक मुलाकात अपने साथ। दोस्तों आज ये सेशन कंप्लीट होने के बाद ये काम जरूर करना यार, ब्लेम गेम बंद करो, मेरा ये हो गया, मैं इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। अरे भाई किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, 100 आदमी करोड़पति बन गए, 150 कार आ गई और हजारों कार दुनिया ने खरीद ली, वो भी तो इंसान है यार, फिर तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ क्यों नहीं अच्छा हो रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ
खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। इसे कहते हैं एक मुलाकात अपने साथ। शीशा देखो, शीशे में बात करो, खुद से बात करो। अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि मेरी मेहनत मेरी ताकत है लेकिन स्टेज पे ना आना मेरी कमजोरी है। मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं बहुत अच्छा प्लानर हूं, बहुत अच्छा प्लान दे सकता हूं, पैसे निकाल सकता हूं, लेकिन मैं प्लान देने जाता ही नहीं हूं, ये मेरी कमजोरी है। अगर मैं जाऊं मेरी लिस्ट में तो बहुत लोग मुझे पैसा देते हैं, पर मैं अपनी लिस्ट में जाता ही नहीं, ये मेरी कमजोरी है। मैं ट्रेनिंग लेके चाहूं तो बहुत कुछ सीख सकता हूं, लेकिन मैं सीखना नहीं चाहता, ये मेरी कमजोरी है। ऐसी बहुत सी कमजोरी हर इंसान के अंदर होती है दोस्तों। हम सबसे छुपा सकते हैं, सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन खुद को खुद से नहीं छुपा सकते। कई बार हम अपने प्लान को झूठ बोल देते हैं। सेमिनार में आ जा, नहीं सर मम्मी बीमार है, घर पे काम है, झूठ बोल देते, बहाने बना लेते। सर मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, एक्सक्यूज देने लग जाते, ब्लेम गेम करने लगते हैं। सर वो अपलाइन ऐसे बोलते इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। अरे कौन अपलाइन, कौन क्या, रे भाई ये जिंदगी आपकी है, अपलाइन की जिंदगी नहीं है। लेकिन इंसान सबसे झूठ बोल सकता है दोस्तों, सबसे अपने आप को छुपा सकता है। अगर इंसान कोई भी गलत काम पर्दों में करता है, चार दीवारों के अंदर करता है, तो उसे एक आदमी देख रहा होता है, वो खुद उसे देख रहा होता है और भगवान उसे देख रहा होता है। इसे कहते हैं एक मुलाकात अपने साथ। शीशा देख के आज बात करना है सेशन के बाद, कि अगर मेरे अंदर अभी कोई ये कमजोरियां खत्म हो जाए, अगर मैं झूठ बोलना छोड़ दूं, बेईमानी करना छोड़ दूं, बहाने बनाना छोड़ दूं, एक ईमानदार सच्चा इंसान बन के सच्चे दिल से नेक नियत से अंतरात्मा से मेहनत करूं, अपने सपनों के लिए मेहनत करूं, अपनी जरूरतों के लिए मेहनत करूं, तो क्या मैं कामयाब हो सकता हूं या नहीं? आवाज आएगी हाँ हो सकता है, पर होना नहीं चाहता। अपनी जो बुराइयां हैं उनको खत्म करना नहीं चाहता, अपनी जो कमजोरियां हैं उनसे अपने आप को छुपाता घूमता है, उन कमजोरियों से लड़ना नहीं चाहता। और दोस्तों यही एक इंसान हार जाता है, क्योंकि वो कभी भी अपने आप से मुलाकात नहीं करता। आपको मैं बताता हूं, संजीव सर को आप बहुत सोचते होंगे कि यार सक्सेस पाई, कामयाब हुए, मेहनत करते हैं। मैं आपको दिल से बताता हूं, मैं और ज्यादा मेहनत कर सकता हूं, इससे भी बहुत बड़ा काम कर सकता हूं, लेकिन कुछ बुराइयां कुछ वीकनेस मेरे अंदर भी है। आप मानो या ना मानो, मेरी जिंदगी में जब भी ड्रॉबैक आया, फॉलबैक आया, मैंने आज तक किसी को ब्लेम नहीं किया, ना कंपनी को, ना अपलाइन को, ना प्लेटफॉर्म को, ना डाउनलाइन को। मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ, खुद को गंदी गंदी गालियां दी, गंदी गंदी, साले तू कुत्ता है, तू नीच है, तू कमीना है, अगर तू इतनी मेहनत और करते तू यहाँ होता, तू इस चीज को छोड़ देता तो तू यहाँ होता। मैंने जिंदगी में हमेशा खुद से बात की, हमेशा खुद से मुलाकात की है, और हमेशा अपने आप को करेक्ट किया है कि अगर ये बुराइयां खत्म करूंगा तो और तेज आगे जाऊंगा, ये वीकनेस खत्म करूंगा तो और तेज आगे जाऊंगा। और दोस्तों इसलिए आज जीवन में भगवान ने जहां भी हम लोगों को सबको इस परिवार को पहुंचाया है, इसका कारण यही है, क्योंकि मुझे खुद से मुलाकात करनी आती है, मुझे अपनी कमजोरियों से लड़ना आता है, मुझे अपने आप को समझाना आता है। मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, सबसे झूठ बोलता हूं। तो दोस्तों जीवन के अंदर ऐसे ही लोग होते हैं कि अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, सबसे बोलते हैं और बहाने बनाते हैं। इन चीजों से बाहर आ जाओ यार, बी मैच्योर। 100 करोड़ का आदमी बनना है, अरबपति बनना है, अरबपति वाले तरीके से काम करो, चिल्लर वाले तरीके से काम मत करो। छोटी सोच कभी बड़े लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती, इन छोटी छोटी बातों से बाहर आ जाओ। अपनी ताकत को पहचानो कि भगवान ने तो हाथ दिए हैं, जवान दिए हैं, गूंगा तो नहीं हूं। सबसे बड़ी ताकत, दो पैर हाथ सलामत है, विकलांग तो नहीं हूं। सबसे बड़ी ताकत, इससे ज्यादा मुझे भगवान डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। दो हाथ दो पैर और जवान अगर मेरे पास है तो मैं दुनिया का नंबर वन डायरेक्ट सेलर बन सकता हूँ, दुनिया का नंबर वन नेटवर्कर बन सकता हूँ, और दुनिया की नंबर वन अचीवमेंट मेरे पास हो सकती है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? वीकनेस आपको खुद पता है कि आपकी क्या क्या वीकनेस है। अगर आज आपका लेवल नहीं बढ़ा तो किस कारण से नहीं बढ़ा, और अगर आज आप तेजी से चेक नहीं कमा रहे तो किस कारण से नहीं कमा रहे। तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दोस्तों अब आगे चलते हैं। आज मुझे लगता है कि सेशन के बाद एसलीफेस का हर फाइटर एक मुलाकात अपने साथ जरूर करेगा। संजीव सर से सफलता की बात का ये सब्जेक्ट लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई खुद से मुलाकात नहीं करे और अपनी कमजोरियों से आज के बाद लड़ाई ना लड़े और अपनी ताकत को ना पहचाने कि हे भगवान तूने मुझे दिमाग दिया, जवान दी, हाथ दिए, पैर दिए, अब कोई माइकल लाल मुझे कैसे हराता है? कोई नहीं हराता, मैं खुद को हराता हूं। बस आज से खुद को हराना बंद, दुनिया जीतनी शुरू।
नेक्स्ट। तो दोस्तों जब वीकनेस की मैंने बात की तो वीकनेस में क्या है कि बहुत सारी कमजोरियां होती हैं हमें, जिनको हम हमेशा छुपाते हैं, अपने आप से छुपाते हैं, लोगों से छुपाते हैं, किसी को नहीं बताते, और वो कमजोरियां ही कारण होती है हमें सक्सेस ना होने के लिए। डू व्हाट एवर स्केयर्स यू अंटिल इट डज नॉट। हर वो काम करो जो तुम्हें डराता है जब तक वो काम होने ना लग जाए, क्योंकि दोस्तों डर के जिंदगी नहीं जी जाती, डर डर के लाइफ नहीं जी जाएगी। हर वो काम करना है आपको जो आपको बहुत डराता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक बार हिमाचल में 22 बच्चे घूमने गए, बाढ़ आई पानी का, बांध फूट गया, 22 के 22 बच्चे बह गए। हर माँ बाप ने कहा भाई आज के बाद नदी में मत जाना, नदी में मत जाना, सब अपने बच्चों को डरा रहे थे। एक आदमी था, एक बंदा था एयरफोर्स का, वो अपने बच्चे को तैरना सिखा रहा था। बोला तू तैर, वो अपने छोटे से बच्चे को डाल दिया, हाथ पैर मारे, हाथ पैर मारे, बच्चा तैरना सीखा, फिर उसको तैरना सिखाया, फिर उसको बहते पानी में तैरना सिखाया। क्योंकि वो ये कह रहा था कि जिंदगी है, सिचुएशन कभी भी दोबारा आ सकती है, डरा के बच्चों को कब तक घर में रखूंगा, एक ना एक दिन तो उसको तैरना सिखाना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें डराती है, बहुत सी ऐसी चीजें जो डायरेक्ट सेलिंग में हमें डराती है। हमें स्टेज पे काम करना नहीं आता, स्टेज प्लेयर नहीं है, नेटवर्कर हम के लीडर नहीं बन पाते, सेशन नहीं ले पाते, एट स्टेप ट्रेनिंग नहीं ले पाते, सेमिनार क्लोजिंग नहीं ले पाते। दोस्तों जबकि ये जो बिजनेस है ये लीडरशिप का है। ये बिजनेस में आपको लीडरशिप लानी है तो स्टेज पे जाना पड़ेगा। बिना स्टेज के धंधा कभी नहीं हो सकता, आपको बड़ा कभी नहीं बना सकता कोई अप्लायंस, कोई सिस्टम, कोई कंपनी आपको बड़ा नहीं बना सकती अगर आप स्टेज पे नहीं जाओगे तो। दोस्तों बहुत से लोग स्टेज पे जाने से डरते हैं, कांपते हैं, पैर कांपने लगते हैं। अरे फिर क्या, कोई मार थोड़ी देगा, कोई हमें जेल में थोड़ी डाल देगा। जैसा बोलेंगे बोलेंगे, हमारी मर्जी, हमारा स्टेज। अच्छा लगे तो ठीक है, किसी को ना लगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। आज का अमिताभ बच्चन तो हमें जो कहानी हमने सुनाई, बंदे तो नहीं बैठे हैं सारे, उन्हें क्या पता कि जो कहानी इसने सुनाई वो सही है गलत है। अरे आपका छोटा बच्चा होता है, घुटनों से चलता है, बार बार क्यों उठाते हो, बार बार उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, एक दिन चलने भी लगता है, दौड़ने भी लगता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को क्या डराता है वो मुझे पता है, स्टेज। 1-to-1 गजब के प्लानर हो आप, 1-to-1 किसी से पैसे निकाल के ले आओगे, बात ट्रेनिंग लेने गए तो भाग जाओगे, छुप जाओगे, सेमिनार की क्लोजिंग गए तो छुप जाओगे, नहीं इधर आगे आओ, धंधा बंद करो। एक दिन जब मैं गया था स्टेज पे, मेरे हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, जवान लड़खड़ा रही थी, दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन आज वही संजीव आपके सामने बात कर रहा है। क्यों? एक बार गया सब कांपा, अगली बार गया सिर्फ पैर कांपे, हाथ नहीं कांपे, अगली बार गया जवान नहीं कांपी, अगली बार गया दांत नहीं किटकिटाए, 5-6-7 बार उस बच्चे की तरह बार बार उठा, बार बार उठा, बार बार उठा, दौड़ने भी लग गया, चलने भी लग गया। इसी तरह बार बार स्टेज पे जाओगे, बार बार स्टेज पे जाओगे, एक दिन बहुत बड़े लीडर बन जाओगे, बहुत बड़े नेटवर्कर बन जाओगे, बहुत बड़ी लीडरशिप आपके पास होगी। तो दोस्तों ये जो डर है ना आपके अंदर, स्टेज का डर सबसे बड़ा डर है। मुझे पता है और कोई डायरेक्टर के पास डर नहीं है, नहीं नहीं सर स्टेज पर नहीं जाऊंगा, इस डर को खत्म करो। और इसके सिवा भी अगर किसी चीज से जीवन में डरते हो, पानी से डरते हो तो तैरना सीखो, नहीं तो डूब के मर जाओगे। ऊंचाई से डरते हो तो चढ़ना सीखो, नहीं तो गिर के मर जाओगे। डर खत्म करो, जीवन में डर खत्म करो, जो भी आपकी कमजोरियां हैं इन सब को खत्म करो। जो चीज आपको डराती है उसको तो जरूर करना है, किसी भी हालत में करना है। अरे ऐसे बहुत से लीडर हैं जो स्टेज पे बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन ग्राउंड पे काम भी कर पाते। स्ट्रेंथ स्टेज की है, वीकनेस ग्राउंड की है, हमें दोनों चाहिए भाई। हम ग्राउंड पे भी रहेंगे, हम स्टेज पे भी रहेंगे। तो दोस्तों जो भी चीज आज से आपको डराए, उस चीज को, जो भी काम आपको डराए उसको जरूर करना है, तभी आपकी जीत हासिल होगी। अगर डरे रहोगे, छुपे हुए रहोगे तो चीजें आप पे हावी हो जाएंगी, और आप जीतने की जिद करोगे तो एक दिन दौड़ने भी लगोगे, चलने भी लगोगे और स्टेज पे बोलने भी लगोगे। तो सफलता की बात का आज का आखिरी चैप्टर, फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों अब हमें डराए तो कौन डराए, ना तो हम किसी की नौकरी कर रहे, ना हम यहां किसी के गुलाम, ना फौज में जो हमें कोई सजा देते, ना पुलिस में जो कोई हमें सजा देते, हमें डायरेक्ट सेलर, हमें इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, IBO, हमारी मर्जी, हम कभी काम करें कभी काम ना करें हमारी मर्जी, हम 10,000 का चेक बनाए 2,000 का बनाए हमारी मर्जी, हम 50,000 का बनाए हमारी मर्जी, हम ना बनाए हमें कौन डराएगा। और दोस्तों ये दुनिया हमेशा डर से चली है, कहते हैं डर के आगे जीत है। अगर फौज के अंदर फौज सही चलती है तो कोई कर्नल मेजर से डरता है, मेजर कर्नल से डरता है,
और मेजर से कैप्टन डरता है और कैप्टन से सूबेदार डरता है, सूबेदार से सिपाही डरता है। क्यों? एक सिस्टम है, डर का एक सिस्टम। अगर नहीं तो पूरी दुनिया उल्टे काम करेगा, पुलिस ना हो, डर का एक सिस्टम है। एक डर पैदा किया जाता है इस दुनिया को सिस्टम में, डिसिप्लिन में डालने के लिए, और उधर हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। क्या करें? नहीं है तो नहीं है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। अब क्या करें? खुद को डराना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और खुद को कैसे डराया जाता है? फियर ऑफ फेलियर, कि जो मैंने सोच लिया अगर नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी क्या होगी। ये डर, मैं दो कमरों के घर में रहता था किराए पे, अब मैंने सोचा अपना बंगला बनाऊंगा, अगर नहीं बना तो दोबारा उन दो कमरों में रहने का किराए के डर। मैंने सोचा कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, मेरा पूरा परिवार गाड़ी में जाएगा, लेकिन आज मेरा परिवार मोटरसाइकिल पे जाता है, चार बच्चों के साथ मेरी बीवी बैठती है, सब घिचपिच के बैठते हैं। अगर मैं स्लीपियस वेलनेस में कार नहीं खरीद पाया, दोबारा मोटरसाइकिल पे जाने का डर, ये है वो डर। अगर मैं ये नहीं कर पाया, अपनों को खोने का डर, लोगों का, अपने माँ बाप का इलाज नहीं कर पाया, मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, ये डर। मेरे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मेरा बच्चा आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन अगर मैंने स्लीपियस वेलनेस से पैसे नहीं कमाए, और मेरे बच्चे अगर पढ़ाई के समय पैसे चाहिए और मैं नहीं दे पाया, तो एक डॉक्टर जो बच्चा बन सकता था उसका मजदूर बनने का डर, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ फेलियर। यही वो डर है जो आपको जिता सकता है। 100 करोड़ रुपए जो आ सकते थे उन्हें खोने का डर। आज कुछ नहीं है लेकिन आएंगे तो जरूर, अगर काम करेंगे लगातार, लगे रहेंगे दिन रात, पैशन से लगे रहेंगे, जनून से लगे रहेंगे, आएंगे तो जरूर, उनको खोने का डर, उन 100 करोड़ को खोने का डर। अपनी दिक्कतें, परेशानियां, गम, जिनको छोड़ना चाहते हैं दोबारा उनको पाने का डर, अगर लगेगा तो दुनिया का कोई आदमी हार नहीं सकता, क्योंकि डर के आगे जीत है। फियर ऑफ फेलियर, जो दौड़ता नहीं है ना, अगर शेर उसके पीछे लग जाए तो वो भी ऐसी दौड़ लगाता है कि शेर भी पीछे छूट जाता है। तो दोस्तों, ये जो गम, ये तकलीफ है, ये दिक्कत जो हमारे पीछे पड़ी हुई है, अगर इनसे हम डर गए कि दोबारा इन्हें नहीं आने देंगे, तो हमारी दौड़ भी दुनिया देखेगी, समाज देखेगा, गांव देखेगा, शहर देखेगा, देश देखेगा, और देश नहीं, एक दुनिया देखेगी कि आपने क्या दौड़ लगाई है। दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ फेलियर। सेंस ऑफ बिजनेस, दोस्तों आज सफलता की सारी बातें हमारी हो गई हैं, अब बात करते हैं सिर्फ सेंस ऑफ बिजनेस की। आप व्यापार कर रहे हो दोस्तों, नौकरी नहीं कर रहे, तो एक व्यापारी की तरह सोचना शुरू करो, व्यापार कैसे होता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक विडंबना है दोस्तों, हम ये एमबीए करके नहीं आते, बीबीए करके नहीं आते, एक आम आदमी आता है, एक बच्चा आता है, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का बच्चा आता है, कोई नौकरी छोड़ के आता है, कोई बेचारा रिक्शा चला रहा होता है, कोई खेती कर रहा होता है, कोई दुकान चला रहा होता है, अचानक से एक धंधे में आ जाता है, एक व्यापार में आ जाता है। आपकी कोई गलती नहीं है कि आपको व्यापार करना नहीं आता, आपका आपके पास मोटिवेशन है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास जज्बा है, आपके पास ताकत है, लेकिन आपके पास समझ नहीं है। और समझ होनी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि धंधा मोटिवेशन से नहीं होता, धंधा जोश से नहीं होता, जुनून से नहीं होता, धंधा समझ से होता है। अंबानी को कभी आपने जोश में नहीं देखा होगा, मार्क जुकरबर्ग को कभी जोश में नहीं देखा होगा, टाटा को कभी जोश में नहीं देखा होगा, स्टेज पे नहीं देखा होगा, लेकिन धंधे की दुनिया के वो किंग है, क्योंकि उन्हें धंधे की समझ है। तो मैं ये मानता हूं एक विडंबना है, एक नेगेटिव ड्रॉबैक है हमारी इंडस्ट्री में, कि जितने भी लोग आते हैं ये एमबीए बीपीओ और सेल्स एंड मार्केटिंग करके नहीं आते, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं अगर आपको सेंस ऑफ बिजनेस चाहिए तो कोई ट्रेनिंग मत छोड़ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बीबीए एमबीए वाले भी हमसे एजुकेशन लेके जाते हैं, कि जो संजीव सर स्लीपियस वेलनेस का जो फाइटर सक्सेस सिस्टम है, जो ट्रेनिंग उसकी है, वो किसी भी आदमी को किसी भी लेवल का बीबीए एमबीए से कहीं बेहतर सेल्स एंड मार्केटिंग या लीडरशिप सिखाती है। तो सबसे पहले तो सेंस ऑफ बिजनेस आपको डेवलप करना है, आपको समझना है कि हम धंधा करने आए हैं, नौकरी करने नहीं आए, और धंधा धीरे धीरे होता है, दुकान पहले खुलती है फिर चलती है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। भाई पहले लगाना पड़ेगा फिर आएगा। यहाँ पर लोग एक साल में धंधा छोड़ के चले जाते हैं, 6 महीने में छोड़ जाते हैं, क्या नौकरी ठीक थी? 20,000 महीना आते थे, 30,000 आते थे, यहाँ तो 3,000 आए पहले महीने में, नौकरी में 30,000 थे। भाई यहाँ पहले में 3,000 आए, लेकिन चौथे साल में 30 लाख आएंगे, नौकरी में आज 30,000 आते हैं, चौथे साल में 40,000 होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले लगाना पड़ता है, उसके बाद धंधा है। दुकान खोलने के लिए 50 लाख लगाना पड़ता है, फिर दुकान चलाते तब कमाते हैं। तो आपको भी इसी तरह रिस्क फैक्टर समझ में आना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आरओआई की।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों यहां पर एक ही खर्चा रहेगा आपका, आने का, जाने का, घूमने का, खाने का, बस। आने का, जाने का, घूमने का, खाने का, रहने का, बस। अगर ये खर्चा आप झेल गए अगले 3-4 साल तो इतना आएगा कि अगले 7 पुश्ते बैठ के खा लेंगे। अगर यहां पर टूट गए आने में, जाने में, खाने खाने में और रहने में, यहां टूट गए तो सब खतर। दोस्तों धंधे की दुनिया में एक बात याद रखना, पहले लगाना पड़ता है, पहले धंधा बनता है, फिर धंधा चलता है। हम यहाँ धंधा बनाने का मतलब टीम बनाएंगे। जब टीम छोटी होगी पैसे कम आएंगे, और जब टीम बड़ी होगी तो पैसे ज्यादा आएंगे। हमारा मकसद यहाँ पैसे कमाना ही, हमारा मकसद यहाँ टीम बनाना है। जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा। तो उस टीम को बनाने के लिए आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, उसके लिए तैयार रहो। या कुछ नहीं लगता साहब, बहुत छोटे पैसे लगते हैं आने जाने खाने रहने के, लेकिन जब 4-5 साल बाद आते हैं तो इतने आते हैं जितने आप आज बड़े लीडर से बात करो, बड़े अचीवर से बात करो, वो समझाएंगे कि कितने आते हैं। उनके चेक देखो, वहां से एहसास करो, वहां से मोटिवेशन लो, वहां से वो सोच लो, वो समझ लो कि सर आपने इसका मतलब पहले 4 साल तक आया है, जाया है, लगाया है, खाया है, रहा है, सिर्फ टीम पे फोकस किया है, दौलत पे फोकस नहीं किया। अरे भाई ये नौकरी थोड़ी है, इस महीने क्या आएगा, 2 महीने में क्या आएगा, धंधा कर रहे हैं भाई। धंधा 4 साल बाद देता है, 5 साल बाद देता है। 5-star होटल खोल लो चाहे आज 700-800 करोड़ रुपए लगा के, वो 6 साल बाद देगा। बड़ा स्कूल खोल लो, वो 6 साल बाद देगा। बड़ा हॉस्पिटल खोल लो, वो 6 साल बाद देगा। एक दिन में कहां से आएगा यार? ये कौन सी डायरेक्ट सेलिंग है, कौन से हिंदुस्तान में लोग सिखा रहे हैं लोगों को, हमारी कंपनी में आ जाओ फटाफट पैसे कमाओ। अरे फटाफट कहीं कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में फटाफट कहीं कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में टीम बिल्डिंग है। जिसकी टीम बड़ी उसकी दौलत बड़ी, उसकी अचीवमेंट। और टीम बनाने के लिए लगाना पड़ता है। दूसरा रिस्क फैक्टर। अब यार यहाँ कौन सा हम 50 लाख लगाते हैं, 20 लाख की दुकान खोलते हैं, 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, दुनिया इतना लगा के भी इतना कमा रही है, और आज हमारे लीडर 40-40 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अगर मैं बाजार की बात करूं तो 40 लाख लगाने के लिए दोस्तों 80 करोड़ लगाने पड़ेंगे, 80 करोड़, तब 40 लाख की ROI है, तब इन्वेस्टमेंट किराया आता है 40 लाख। 80 करोड़, 100 करोड़ लगाएगा जो आदमी, वो 40 लाख कमाता है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका रेंटल इनकम 40 लाख, आप सोच लो। और आज इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में लोग 40-40 लाख कमाते हैं, इस कंपनी में आज लोग 40-40 लाख कमाते हैं। तो रिस्क क्या है? कुछ भी नहीं। क्या किया? इतना सा रिस्क लिया, आते रहे, जाते रहे, खाते रहे, रहते रहे, टीम बनाते, बस। उसमें जो पैसे लगे छोटे मोटे 1,000, 2,000, 5,000, उसके बारे में कभी नहीं सोचा। जो आने वाले पैसे है, आने वाली कामयाबी अचीवमेंट, उसके बारे में सोचा। तो या तो यार कोई रिस्क ही नहीं है 100-500 करोड़ का, छोटा सा रिस्क। और अगर आप छोटा सा रिस्क नहीं ले सकते तो आप व्यापार कभी नहीं कर सकते। व्यापार वही कर सकता है जो छोटा सा रिस्क तो कम से कम ले सकता है। उसके बाद है दोस्तों कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। अगर धंधा करना है, धंधा नौकरी नहीं, धंधा। नौकरी में छुट्टी होती है, साल में 3 महीने नौकरी में छुट्टी होती है दोस्तों, धंधे में छुट्टी होती है? नौकरी में छुट्टी होती है 4-4 दिन की लगातार, धंधे में होती है दिवाली के दिन भी, दुनिया दिवाला निकाल रखी होती है, और एक दुकानदार दबा के माल बेच रहा होता है, माल कमा रहा होता है। दुनिया मिठाई खा रही होती है और मिठाई की दुकानें दबा दबा मिठाई बना के माल बेच बेच के पैसे कमा रही होती हैं। भाई धंधा रोज होता है, लगातार होता है। हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ा मजेदार काम है। कोई बंदा एक दिन काम करता है हफ्ते में, कोई 2 दिन करता है, कोई 4 दिन में एक दिन करता है, कोई रोज 1 घंटे करता है, कोई आधे घंटे करता है, कोई करता ही नहीं, महीने में 2-4 दिन करता है। अरे भाई एक ऐसी दुकान मुझे भी बता दो आपके शहर में जो 4 दिन, 1 हफ्ते में 1 दिन खुलती और चलती हो। कोई ऐसी फैक्ट्री बता दो जो 1 दिन हफ्ते में चलती और खुलती और चलती हो। कोई तो धंधा बता दो यार, कोई तो बता दो, ढूंढ के लाओ जो 7 दिन में 1 दिन होता और पैसे देता है। अरे भाई सब्जी का ठेली वाला भी रोज सब्जी 20 साल से लगातार सुबह 3 बजे खरीदने जाता है, रोज बेचता है। पान की थड़ी वाला भी सुबह 9 बजे रोज पान का थड़ा खोलता है, रोज बेचता है। जूते काटने वाला भी सुबह आके जूते रोज काटता है। बिजनेस व्यापार कहते हैं मौत और ग्राहक का पता नहीं कब आ जाए, इसलिए अपॉर्चुनिटी कब तुम्हें बड़ी मिले, कब 2 अच्छे लोग मिल जाए, कब 4 अच्छे लोग मिल जाए, कब 2 महिपाल मिल जाए, शिवकुमार मिल जाए, रामवीर मिल जाए, तुम्हें नहीं पता। वो उसी को मिलेंगे जो अपनी दुकान रोज खोलेगा और लगातार चलाएगा। रोज करो, लगातार करो। ये घंटा 2 घंटे का बिजनेस नहीं होता दोस्तों, ये 12-18 घंटे का बिजनेस होता है। 8 घंटे में सिर्फ नौकरियां होती हैं, इसलिए नौकरी की टाइम लिमिट 8 घंटे है और बिजनेस की कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ये जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कृपया करके भाई
व्यापार करना चाहते हो, व्यापारी बनना चाहते हो, सफल बिजनेसमैन कहलाना चाहते हो, तो रोज करो, लगातार करो यार। हफ्ते में एक दिन दुकान खोलोगे ना, कोई ग्राहक नहीं आएगा। रोज खोलोगे, कोई ना कोई जरूर आएगा। जब बार बार लोग दुकान खोली देखेंगे तो एक दिन लोग जरूर आएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग जो करता हूँ, एक कॉर्पोरेट बिजनेस की सोच से करता हूँ। मैं अपने लीडरशिप को एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी लीडरशिप को एक इतना बड़ा लीडर बनाना चाहता हूँ, इतना बड़ा डायरेक्ट सेलर, इतना बड़ा नेटवर्कर, कि दुनिया उसकी एजुकेशन ले, दुनिया उससे सीखे कि यार डायरेक्ट सेलिंग कैसे होती है। हमें डायरेक्ट सेलिंग की मिसाल बनना है, हमें डायरेक्ट सेलिंग का दुनिया में एग्जाम्पल बनना है। और वो बनाओगे आप लोग, हमारा परिवार, SLPS परिवार, SLPS फाइटर्स, हर व्यक्ति जो आज सफलता की बात हुई है, इनको दिमाग में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आगे का जीवन शुरू करें। शायद आज के बाद की भी आपकी जिंदगी में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। शायद आपका चेक अगले हफ्ते ही डबल हो जाएगा, अगर काम रोज होगा और लगातार होगा। तो दोस्तों अब कुछ बात कर लेते हैं कि भाई 2021 आ गया है, अगले 6 महीने में हम लोग कुछ डेवलपमेंट्स करने वाले हैं। मैंने कहा 6 साल तो थे बेमिसाल, 2021 में होगा धमाल, होगा कमाल, ऐसा कि हर कोई कहेगा कि SLPS का हर फाइटर है माइकल लाल। तो दोस्तों अगले 6 महीने की हम अचीवमेंट पे बात करते हैं। हमारी कंपनी ने प्लानिंग की है कि अगले 6 महीने में हम कंपनी को वर्ल्ड क्लास कंपनी तक ले जाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि एक क्लास कंपनी बनाएंगे, एक ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी बनाएंगे, एक ऐसा एहसास देंगे लोगों को कि लोगों को ऐसा फील हो कि वाओ, इट्स नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, इट्स कॉर्पोरेट, यहाँ पर कॉर्पोरेट कल्चर भी है। जैसे कि आपने कल्चर देखा, अभी हमने डायमंड्स को लेके गए गोवा सेलिब्रेशन किया, ये कौन करता है? रिलायंस जैसी, टाटा अंबानी जैसी कंपनियां करती है कॉर्पोरेट सेलिब्रेशन, कि भाई हमारी कोर टीम है, इनका एक फैमिली के साथ सेलिब्रेशन। अभी आपने देखा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए, News 24 पे डेली हम लोगों ने स्पॉन्सर की हेडलाइंस को, आगे आगे और भी स्पॉन्सरशिप हम बढ़ाने वाले हैं। ये क्या है? ये कॉर्पोरेट कल्चर है, ये हम करेंगे। आगे आगे अगले 6 महीने में जितने भी हिंदुस्तान में बिग इवेंट होंगे, उनमें भी हम कोशिश करेंगे स्पॉन्सरशिप करने की, हम करेंगे। हमें कॉर्पोरेट कल्चर लाना है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 1,000-2,000 करोड़ के लिए नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 50 लाख कमाने के लिए, अपने लीडरों के लिए नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 100% 100 करोड़ पैदा करेगी, 100 करोड़ हर लीडर की जेब में 100 करोड़ रुपए पैदा करेगी। इस सोच के साथ संजीव सर आपके बढ़ रहे हैं, इस सोच की दिशा में वो चल रहे हैं, दिन रात उस पर मेहनत कर रहे हैं। अभी आपको वेयर हाउसेस मिलने वाले हैं हिंदुस्तान में 5, अभी जैसे एक दिल्ली में, एक जयपुर में, अब 5 वेयर हाउसेस और आने वाले हैं। सबसे पहला गुवाहाटी में आएगा, उसके बाद वाराणसी में आएगा, उसके बाद 3 और आएंगे। कोशिश रहेगी इस साल के एंड तक हम ये 5 वेयर हाउसेस अपने कंप्लीट कर दें। आज हमने स्टेट हेड्स जो पहले नहीं थे, अब फ्रेंचाइजी कौन लेगा, किसको देनी है, किसको नहीं देनी, किस रोड पे होगी, किस कंडीशन में होगी, क्या पैरामीटर सप्लाई करेगा, कैसे रहेगा, स्टेट हेड्स। आज हिंदुस्तान के हर स्टेट में कंपनी का मार्केटिंग स्टेट हेड नियुक्त कर दिया गया है, जो सारी फ्रेंचाइजियों पे कंट्रोल करेगा, सारी फ्रेंचाइजियों के प्रोडक्ट को देखेगा, उनकी डिमांड को देखेगा। अगर कोई ऊंचा नीचा कर रहा तो फ्रेंचाइजी को बंद भी कराएगा, और कोई अगर अच्छा व्यक्ति तो फ्रेंचाइजी खुलवाएगा। ऐसी एक बहुत बड़ी टीम हर स्टेट में, एक स्टेट हेड अपॉइंट SLPS वेलनेस कर चुकी है। उसके बाद अगले 6 महीने में मैं आपको एक फैक्ट्री और देने वाला हूं, टॉयलेटरी फैक्ट्री, होम केयर रेंज, जो होम केयर होता है, टॉयलेटरी की जो फैक्ट्री है वो हम खुद लगा के खुद का प्रोडक्शन करने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी इस साल के अंदर अंदर मैं एक फैक्ट्री, एक फूड सप्लीमेंट की हमारी फैक्ट्री है, एक आयुर्वेदा की है, एक टॉयलेटरी का सेटअप आपको लगा के और दूं, जिससे कि जो टॉयलेटरी के प्रोडक्ट है वो आपको बाजार से ना खरीदने पड़े, वो बाजार से बेहतर, अच्छी रेंज में, अच्छे प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में मैं आपको दूं। क्योंकि दोस्तों ये पर्सनल यूज के प्रोडक्ट है। जैसे कि कई बार बात होती है कि संजीव सर आपके प्रोडक्ट के ये प्राइस है, आपका प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, आपके प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी है, प्राइस ये है। तो मैं कहता हूँ देखो यार, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक जिंदगी बचाने के, एक जिंदगी चलाने के। जिंदगी बचाने का जो प्रोडक्ट है उसकी कोई कीमत नहीं होती,
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी गांव में बीमार हो जाता है तो सबसे पहले वो गांव के डॉक्टर को दिखाता है, गांव के डॉक्टर से ठीक नहीं होता तो उसके पास पैसे नहीं होते गरीब के पास, फिर शहर में भी आता है, चाहे जमीन बेचनी पड़ो चाहे कर्जा लेनी पड़ो फिर शहर में दिखाता है, फिर ठीक नहीं होता तो बड़े शहर में जाता है, चाहे जमीन बेचनी हो चाहे कर्जा लेनी पड़ो फिर बड़े शहर में दिखाता है, फिर भी ठीक नहीं होता तो दिल्ली आता है, चाहे जमीन बेचनी हो चाहे कर्जा लेना, क्योंकि उसे जिंदगी बचानी है और जिंदगी बचाने से कीमती कुछ नहीं है, वो साला कोई प्राइस नहीं है जो जिंदगी बचाने में कॉम्प्रोमाइज करे, और वो संजीव सर तो मरते दम तक भी नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे। मेरा मकसद, मेरा मुद्दा लोगों को ठीक करना है, लोगों की जिंदगियां बचाना है, उनकी जिंदगियों से खेलना नहीं है। तो दो कैटेगरी के दोस्तों प्रोडक्ट होते हैं, एक जिंदगी बचाने के जो आज तक हम लोग बेचते आए हैं, अब आएंगे जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट। जिंदगी चलाने का जो प्रोडक्ट होता है, मसाला, नहाने की साबुन, हाथ धोने का हैंड वॉश हो गया, टॉयलेटरी का हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, या कोई भी आइटम, वो होते हैं जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट। तो जब जिंदगी चलाने के एसएलपीएस के प्रोडक्ट आएंगे ना, वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग के आएंगे, और जो प्राइस 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 की बात करती है ना दुनिया, उनके प्राइस के बराबर नहीं, उनसे सस्ते भी आ सकते हैं और क्वालिटी उनसे 10 गुना बेहतर आएगी, कि वो प्रोडक्ट जिंदगी चलाने के होंगे और वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से आएंगे, ट्रेडिंग से नहीं आएंगे। किसी से लेके किसी को देने वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है, अपना बना के बेचेंगे। तो अब एक रेंज आएगी अगले एक साल में जिंदगी चलाने वाली, जो प्राइस प्राइस सब कुछ वैसे होंगे जो जिंदगी चलाने में हम परचून की दुकान से लाते हैं, और क्वालिटी उनसे 2 गुना 3 गुना होगी। ये आपके संजीव सर का आपसे आज, लेकिन जो जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट हैं उनमें कभी संजीव सर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज बहुत रिजल्ट आते हैं। मैं आज सुबह देख रहा था एक ललित कुमार गुप्ता, पता नहीं कोई बिहार से वीडियो था, बड़ा मजा आया देख के। 14 साल से एक लेडीज है, हड्डी चल नहीं पा रही, कमर नहीं चलती, ऑर्थोडॉक्स थंडर ब्लास्ट दिया, 1 हफ्ते में ठीक हो गई, 8 लाख रुपए लगा चुकी। ऑर्थोडॉक्स थंडर ब्लास्ट कितने का भाई, कितने का होगा, 4000 का होगा, 4200 का होगा, 80% ठीक हो गई, 8 लाख रुपए 14 साल से लगा चुकी। मैं जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करूं, आज के कंपटीशन को देखते हुए, आज के मार्केट को देखते हुए नहीं करूंगा, किसी भी हालत में नहीं करूंगा। बाहर में गई वो कंपनियां, वो कॉम्पिटिशन, कम कमा लूंगा, काम खा लूंगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज जिंदगी बचाने प्रोडक्ट में नहीं करूंगा। मुझे ये चाहिए कि 8 लाख में जो आदमी ठीक नहीं हुआ वो 4200 रुपए के प्रोडक्ट। आज रोज एक पोस्ट आप लोग डाल देते हो, सर वहां बच्चा हो गया, 9 साल बाद हो गया, 10 साल बाद हो गया, 11 साल बाद हो गया, अरे मजाक है, मजाक है क्या? एक औलाद पाने के लिए माँ बाप 50-50 लाख खर्च कर देते हैं, और यहाँ 2-5 हजार के प्रोडक्ट से उनके उनकी औलाद हो गई, उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, उनको फल मिला इसलिए उसके प्रोडक्ट लेने से, और लोग कहते हैं कि सर आप भी कॉम्प्रोमाइज करो, आपको अगर इस प्राइस वार में नहीं रहोगे तो आप हार जाओगे। नहीं रहूंगा प्राइस वार में, देखता हूँ, चिंता हूँ, हारता हूँ, नहीं रहूंगा प्राइस वार में, नहीं रहूंगा क्वालिटी वार में रहूंगा। जिंदगी बचाने के प्रोडक्टों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे वो 10 साल में जब किसी को बच्चा होता है, जब पोस्ट देखता हूँ ना मैं, वहां से मेरी आंखें नम हो जाती है और सीना मेरा गर्व से ऊंचा हो जाता है कि वाह संजय कुमार क्या प्रोडक्ट बनाए हैं। तब आता है मजा काम करने का, ऐसा लालच, ऐसा पैसा, ऐसा कॉम्पिटिशन मेरे को नहीं चाहिए भाई। हाँ जिंदगी चलाने पर आएंगे कॉम्पिटिशन, जब जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट में बना के लाऊंगा अपने, तब आते हैं कंपटीशन में, तब फिर दिखा देते हैं कि जिंदगी चलाने वाले प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है और क्वालिटी क्या होती है। वो लाएगा आपका संजीव सर 1 साल के अंदर। उसके बाद और बहुत कुछ है, ब्रांड एंडोर्समेंट होने जा रही है, सेलिब्रिटियों से बात चल रही है, बड़े धमाके होने वाले हैं, मतलब आप ये समझ लो ऐसे धमाके सब देखेंगे, हमारे धमाके धक धक होगी सबको कि क्या कर रहा है आदमी, ऐसे धमाके करेंगे, ऐसी इंडोर्समेंट कराऊंगा, ऐसी इंडोर्समेंट कराऊंगा जो किसी ने आज तक सोची नहीं होगी। उसके बाद कस्टमर कॉल सेंटर आपका चालू हो चुका है, उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट लाने वाला हूं अगले कुछ महीने में जो पूरे वर्ल्ड में, जैसे कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट है बाहर की कंपनियों के जो एक ही प्रोडक्ट राज कर रहा है, जैसे एक कंपनी का मोटापे का प्रोडक्ट राज कर रहा है, एक कंपनी का प्रोटीन राज कर रहा है, इसी तरह एक प्रोडक्ट ऐसे लाने वाली है अगले 4-6 महीने में जो राज करेगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उसके टक्कर का प्रोडक्ट ना कोई बना सकता और ना बना पाएगा। वैसा प्रोडक्ट मैं लाने वाला हूं अगले 6 महीने में, एक सिंगल प्रोडक्ट जो अच्छी रेंज का भी होगा और अच्छी क्वालिटी तो पूछो मत, और जो उसकी स्पेशलिटी जो होगी, जो उसमें R&D जो हुई है, जो उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो ऐसे होंगे जो किसी के पास आज तक नहीं है, ऐसा भी एक प्रोडक्ट आने वाला। उसके बाद सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग हमारी हमेशा रहेगी दोस्तों,
हम टॉयलेटरी का सेटअप लगाएंगे तो अपना लगाएंगे, हम मसाले बनाएंगे सेटअप लगाएंगे तो अपना लगाएंगे, हम कल खेती के प्रोडक्ट लाते हैं अगले साल में, दो साल में, एक साल में तो भी अपने लाएंगे। हम बाहर से माल लेकर नहीं बेचेंगे क्योंकि हमें बाहर के लोगों पर विश्वास नहीं है। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फिर बेचेंगे, ट्रेडिंग करके माल नहीं बेचेंगे। वो डायरेक्ट सेलिंग मेरे हिसाब से तो भाई नहीं है, जिसको समझ में आती हो करो। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है उसमें मुझे पूरा यकीन है कि इसमें मैंने क्या डाला है और ये क्या रिजल्ट देगा। उसके बाद अगले 6 महीने में नई पैकिंग आ रही है आपके जो प्रोडक्ट है सभी की, सुपर पैकिंग स्किन प्रोडक्ट तो आप देखते रह जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। अगले 2 महीने के अंदर देखना स्किन प्रोडक्ट की पैकिंग आने वाली है, उसको देखते रह जाओगे आप लोग। और जितनी भी पैकिंग आने वाली है, जितनी पैकिंग आज है सारी चेंज हो रही है, और एक लग्जरी पैकिंग आ रही है, ब्रांड पैकिंग आ रही है। मैंने कहा ना दुनिया जीतने के हिसाब से, दुनिया जीतने के हिसाब से। देखो दोस्तों, दुनिया में एक कंपनी बताता हूं 61,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। अगर वो 61,000 करोड़ का टर्नओवर करती है तो उसके लोग कितना पैसा कमाते होंगे। उस कंपनी के प्रोडक्ट है ना सारे एक्सट्रीम है, सारे एक्सट्रीम है, प्राइस में क्वालिटी में अच्छे प्रोडक्ट है उस कंपनी, प्राइस भी अच्छा है क्वालिटी भी अच्छी है। 61,000 करोड़ हमारे हिंदुस्तान में एक कंपनी अभी 20 साल से सबसे सस्ते प्रोडक्ट बनाती है, एक कंपनी और 7-8 साल से, नाम नहीं लूंगा, सबसे सस्ते प्रोडक्ट बनाती है, टर्नओवर है 400 करोड़ उसका, जो 20 साल से उसका टर्नओवर है 800 करोड़। उस कंपनी का टर्नओवर 61,000 करोड़। आप समझ लोगे मेरा इशारा किस कंपनी का, 61,000 करोड़। क्योंकि प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, प्राइस वार नहीं, प्राइस वार नहीं, क्वालिटी वार, क्वालिटी वार उसने करी 61,000 करोड़। 20 साल में 61,000 करोड़ क्या हिंदुस्तान की कोई कंपनी कर पाएगी? कर पाएगी, हाँ एक कंपनी करेगी जिसका नाम है एस्लीपियस वेलनेस, लिख लेना एस्लीपियस वेलनेस। क्योंकि वही रेंज बनाऊंगा, वही क्वालिटी बनाऊंगा कि जब बाहर की कंट्रियों में भी जाऊं, उस कंपनी का चाइना से मैंने कल टर्नओवर देखा 20,000 करोड़, चाइना से। ऐसे होती है कंपनी, ये होते हैं प्रोडक्ट, ये होता है फ्यूचर, ये होता है लोगों के लिए विजन देना, लोगों को कैरियर देना, लोगों को प्लेटफॉर्म। तो वो आपके संजीव सर पूरी सी तैयारी में वो 61,000 करोड़ करती है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता मैं उसको बीट करूंगा, लेकिन मैं उससे पीछे भी नहीं रहूंगा। इतना भी आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों से जो प्यार और ताकत मुझे मिलती है, जो विश्वास और भरोसा आप मुझे देते हो, तो बस सोच लो संजीव सर फटे हुए रहते हैं 24 घंटे। संजीव सर में एक आग रहती है 24 घंटे, और वो आग उस लेवल की रहती है 61,000 करोड़ की, ये 600 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ की नहीं। क्योंकि जब मेरी कंपनी 61,000 करोड़ की होगी तो मेरे लीडर 1,000 करोड़ के होंगे, 1,000 करोड़। जो कंपनी 61,000 करोड़ का टर्नओवर एक साल में करेगी, कभी ना कभी जरूर करेगी एक दिन, सुनो 2025-31 मार्च इंडिया में बताया, उसी दिन बताऊंगा वर्ल्ड किस दिन हमारा नंबर वन होगा, उसी दिन बताऊंगा नंबर वन वर्ल्ड में कब होंगे। जो कंपनी 61,000 करोड़ करेगी तो उसके लीडर भी 1,000 करोड़ के होंगे। वही लीडरशिप मुझे लानी है और वही मुझे इस जीवन में पाना है, और वही मेरे जीवन की ख्वाहिश है कि कितने लोगों को मैं कामयाब कर सकूं, कितने लोगों में सक्सेस कर सकूं। आज हमारी कंपनी के कर परसों चेक बने थे, अभी जो क्लोजिंग आई थी मैंने देखा 500 लोगों से ऊपर 1,00,000 रुपए में, 500 लोगों से ऊपर 1,00,000। दिल खुश हो गया भाई, बाग बाग हो गया, ये कमाई है तेरी, ये अचीवमेंट है तेरी, तेने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या नहीं कमाया, क्या चल रहा है, भाड़ में गया, 500 लोग 1,00,000 रुपए महीना करने वाले हिंदुस्तान की 6 साल में नंबर वन कंपनी, पहली कंपनी। आज जो बड़ी 20-20 साल से उनके 500 लोग नहीं 1,00,000 पे, मैं लिस्ट भेजता हूँ, कहे तो फेसबुक पर डालता हूँ लिस्ट, वो भी डाल दे फेसबुक पर अपनी लिस्ट, अंडरस्टैंड। उसके बाद एक लास्ट बात, और खासकर स्लीपर्स फाइटर्स के लिए, और स्ट्रिक्ट बात, क्रॉस लाइनिंग बिल्कुल नहीं होगी। अगर किसी ने किसी की क्रॉस लाइनिंग करी, आईडी टर्मिनेट होगी 100%। क्रॉस लाइनिंग के पैरामीटर, अगर किसी की बीवी, किसी का भाई, कहीं भी या कोई भी परिवार का बंदा काम कर रहा है, वो बंदा किसी दूसरे नाम से आईडी लगा के उधर काम करेगा, भाई साहब क्रॉस लाइनिंग मानी जाएगी एंड आई विल टर्मिनेट दैट आईडी। दुनिया का हक नहीं खाने दूंगा, और कोई किसी को अधिकार नहीं है किसी का हक खाने का, समझे? ये भगवान आपसे बुरा मान जाएगा, परमात्मा आपसे नाराज हो जाएगा यार, आपसे रूट जाएगा। अब दूसरे की रोटी मत छीनो यार, मत छीनो दूसरे की रोटी। अरे भगवान बहुत मेहनत से ले जाना बनते, जिसका चेक ना बने मेरे पास आ जाना, संजीव सर मेरा चेक नहीं बन रहा है, भैया मेरे पास आ जा, मेरे लीडरों के पास भेज दूंगा, तेरा सपोर्ट कर दूंगा, तेरी ट्रेनिंग कर दूंगा, तेरे लोगों को मैं प्लान देने चला जाऊंगा, 1-to-1 प्लान दे दूंगा, पर किसी का हाथ मत, क्रॉस लाइनिंग मत करना। क्रॉस लाइनिंग करते मैं टर्मिनेट करूंगा, क्योंकि ये मेरे बस की बात, मेरे जीवन में एक ही चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता मैं, क्रॉस लाइनिंग। प्लीज क्रॉस लाइनिंग ना करें। और जो भी लोग क्रॉस लाइनिंग करते पकड़े गए, वो 100% उनकी आइडिया भी टर्मिनेट हो चुकी है, 4-5 लोगों की आगे भी टर्मिनेट होंगी। ये बात 100% दिमाग में बैठा लेना। और बेशक भाई कोई मुझे 500 करोड़ का धंधा दे रहा होगा ना, अगर वो भी क्रॉस लाइनिंग करेगा वो भी टर्मिनेट करूंगा। ये बात दिमाग में, अपना लीडर हूं मैं, ये हूं मैं, फलाना हूं मैं, डिमको, बात को दिमाग से निकाल दो। हमारी कंपनी में हाथ जोड़ के आपसे विनती है मेरी, प्लीज क्रॉस लाइनिंग मत करो, किसी का हक मत खाओ। और एक दूसरा,
एक और मेरा मैसेज है इंडस्ट्री के लिए आप सबको, एसलिपियस वेलनेस का कोई भी फाइटर सोशल मीडिया पे किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करेगा, किसी भी कंपनी को कंपेयर नहीं करेगा। उसकी कंपनी के लीडर का चेक कितने का, हमारे लीडर का चेक कितने का, ये दोबारा मैं देखना नहीं चाहता दोस्तों। ये एक पवित्र इंडस्ट्री, इसको गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है। एसलिपियस वेलनेस कब है, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं होती तो एसलिपियस वेलनेस नहीं होती, ना मैं होते ना आप होते। इंडस्ट्री पवित्र है, इसको गंदा नहीं करना। हर कंपनी अच्छी है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, सबकी अपनी दौड़ है, अपनी मंजिलें हैं। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है भाई, मेरा कंपटीशन खुद से है। मैं खुद को कितना बेहतर बनाऊंगा, कितने अच्छे प्रोडक्ट बनाऊंगा, कितना अच्छा पे आउट दूंगा, कितना टाइम से दूंगा, क्या डेवलपमेंट करूंगा, मेरा मेरे से है और मेरा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो आप लोग समझो, जब आपके संजीव सर का कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है तो आपका कैसे हो सकता है। किसी कंपनी की बुराई मैं किसी लीडर से ना देख लू, आई विल टर्मिनेट दैट आईडी इमीडिएटली, 100% आई विल टेक एक्शन। और ये मेरा अधिकार है इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि संजीव सर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। संजीव सर इंडस्ट्री के लिए भी लड़ते हैं, जितना एसलिपियस के लिए मेहनत करता हूं उतना इंडस्ट्री के लिए मेहनत करता हूं। जब इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी, सभी कंपनियां फलेंगी फूलेंगी यार, सभी के लीडर पैसे कमाए, अरे कमाए ना, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, मेरे को कौन सा साला सारा खा के यहाँ पर अंबानी बनना है, वो बनना है, मेरे को बिल गेट्स बनना है कि मैं सबका माल खा जाऊं, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए मुझे, बस जितना है जो मेरे लोग हैं जो परमात्मा ने दिए और जो आगे आते रहेंगे वो ही चाहिए। लेकिन नहीं, किसी की बुराई हम नहीं करेंगे। एसलिपियस का फाइटर कभी किसी कंपनी की बुराई का पेज नहीं डालेगा, कभी कोई पोस्ट नहीं डालेगा। ये मैसेज मेरा सभी लीडर्स को, प्लीज अपने अपनी टीम को समझाएं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें इंडस्ट्री पवित्र है यार, इसे अपवित्र करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अरे भाई आपने सुना होगा 10 सुनार की दुकान एक जगह है, पूरी दुनिया सोना खरीदने जाती है, 10 के 10 के चले जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त कहा जाता है सोने का मार्केट, कपड़े का मार्केट। सुना या नहीं सुना? सुना होगा। तो उस मार्केट में लोग जाते हैं तो कपड़ा पक्का खरीदते हैं। तो दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ऐसे लिखेंगे हम एक कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी में ब्रांड एंबेसडर का चेक कितने का, उनका चेक कितने का, पता कितना गंदा लगता है। लोग जो बाहर के लोग हैं, जो तुम्हारे लोग हैं, वो तो मोटिवेट हो गए, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो मोटिवेट हो गए, और जो बाहर के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं मालूम है? अरे साले ये लोग तो लड़ते रहते हैं, गंदे लोग हैं ये तो, किसी को गिराते हैं किसी को उठाते हैं। अरे इंडस्ट्री बदनाम हो रही है यार, पवित्र इंडस्ट्री को अपवित्र मत करो, प्लीज मत बोलो किसी को। ये लिखते हैं फलानी कंपनी क्विट जॉइन AWPL, फलानी कंपनी क्विट जॉइन AWPL, क्विट जॉइन AWPL, प्लीज मत करो, प्लीज मत करो, हमारी कंपनी में कोई नहीं करेगा। और दूसरी कंपनियों के लिए भी एक मैसेज दे देता हूं, मैनेजमेंट मुझे पता है सारे अच्छे होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करने देते। प्लीज सभी मैनेजमेंट अपने लीडरशिप को समझाएं, ये सब चीजें ना करें, ये अच्छा नहीं होता, ये इंडस्ट्री के लिए गलत है, आपको नुकसान होगा। ये इंडस्ट्री पवित्र है, एक दिन आपको लात मार के निकाल देगी, मैं गारंटी देता हूं, मैं नहीं मारूंगा, लात लग जाएगी और ऐसी लगेगी बेटा कि पिछवाड़ा समझ नहीं आएगा कहां गया, ये भी गारंटी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप इंडस्ट्री के खिलाफ चल रहे हो, आप इंडस्ट्री के खिलाफ चलोगे इंडस्ट्री आपके खिलाफ चलेगी, याद रखना। नहीं, हमारा किससे कॉम्पिटिशन नहीं है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, आने दो जाने दो, कोई चला गया जाने दो ना यार, वो चला गया उसका दिल नहीं लगा, उसे अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, चला गया अच्छी बात है। अब वो जाके क्या बुराइयां करता है, ये करता है वो करता है, करने दो। लेकिन मैं उन मैनेजमेंट से कहूंगा थोड़ा ध्यान रखो भाई, इंडस्ट्री का सवाल है, अभी रूल रेगुलेशन तक नहीं आए, हमें इंडस्ट्री को बड़ा बनाएंगे ना हम सब बड़े बनेंगे। और मुझे पता है कोई भी मैनेजमेंट इस चीज को अलाउ नहीं करती, क्योंकि अभी मेरा एक दोस्त था एक कंपनी का मालिक, मैंने उसको फोन किया, मैं यार ये लड़का फालतू की पोस्ट डाल रहा है इसको मना कर, उसने 2 मिनट में उसकी पोस्ट डिलीट करा दी, दैट इज कॉल्ड अच्छा मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई इंडस्ट्री बड़ी बनाओ यार, लोग तो आते जाएंगे जाते रहेंगे, क्योंकि लोगों ने तो क्या कहना है, मैं तो कंपनी की वजह से नहीं हुआ, अपनी वजह से नहीं हुआ, अपनी वजह तो साले ने उसने कभी मान नहीं ली। और अच्छा ये जाने वाले जाने लोगों का काफिले में अगर आप पता करो ना अपलाइन डाउनलाइन से, तो पता चलेगा कोई पैसे लेके भागा है, कोई आईडी के पैसे खा गया, कोई अपलाइन के पैसे खा गया, कोई डाउनलाइन के पैसे खा गया, कोई कभी साला ग्राउंड पे मेहनत करने ही नहीं गया। अगर इनकी बातें सुनोगे तो कुछ और लगे, अंदर से देखोगे ना तो बहुत कुछ गलत मिलेगा। दोस्तों ये चीजें होती है, होती रहेंगी, ये इंडस्ट्री बनी इसलिए आना जाना लगा रहेगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें किसी से बुरा नहीं करनी, ना जाने वाले की ना आने वाले की, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में हमें कभी लिखना नहीं है, कभी हमारी सोशल साइट पे MLM के इतिहास में एसलिपियस का फाइटर कभी ऐसा नहीं लिखेगा। पवित्र है, इंडस्ट्री पवित्र होगी, हम सब पवित्र हो जाएंगे। तो दोस्तों मजा आ गया आप लोगों से बात करके, बहुत दिनों बाद समय मिला था, सफलता की बात भी हो गई, डेवलपमेंट्स की बात भी हो गई और एक मुलाकात भी हो गई। फिर मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में सफलता की बात आपके साथ में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
विश यू बेस्ट ऑफ लक, गोवा ठोक दो, गोवा ठोक दो, मिलते हैं 5,000 लोगों के साथ गोवा में। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू।